गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आप सभी का वेलकम है आज की संडे स्पेशल क्लास में और इस क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं आपको चार पांच दिन पहले यानी एक तरीके से कहें तो मैंने आपको संडे को ही दे दी थी कि हर संडे को हम लोग एक बड़ी क्लास लेके यानी कि तीन चार घंटे की क्लास लेके आएंगे जिसमें कोई एक छोटा सा टॉपिक और वो कंप्लीट करेंगे तो ये क्लास हमारी हर संडे को चलेगी मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये क्लास जो है हम लोगों की हर संडे को चले और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हर संडे को चार चार घंटे या पांच पांच घंटे की क्लास लेके वो टॉपिक कंप्लीट किया जाता है एक बार सभी बच्चे बताएं कैसे हैं आप सभी लोग कैसे हैं बढ़िया चल रहा है आप लोगों का संडे कैसे बीता बोलो अरे इंटरनेट इंटरनेट बचा के रखे हो, सब खत्म कर गए तुम लोग रील्स देखने में बोलो भाई अरे ठीक होगी नहीं तो ऐसा तो नहीं खाली रील्स के चक्कर में आप लोगों ने खत्म कर दिया अपना पूरा डेटा एक बार सभी बच्चे जो है कि सेशन को शेयर कर दें और आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की एक कंप्लीट क्लास करेंगे और मैं आज आपको 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये 40 क्वेश्चन सभी एग्जामों से रिलेटेड है चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो चाहे सीपीओ का हो एमटीएस सीएचएसएल और हमने आरआरबी के भी अच्छे सवाल लिए हैं बहुत ऐसे अच्छे सवाल जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं आर आरबी जेई में आए हुए हैं वो भी सवाल हम आपको कराएंगे चूंकि अभी आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं जैसे आपने देखा आरआरबी आरबी का एग्जाम लगा हुआ है आने वाला है आर आरबी एल पी आर आरबी टेक्नीशियन का तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए चल रही है तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें सर मैं आपका दैस... अच्छा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ बाबू पढ़िए बढ़िया मस्त है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार सभी लोग सेशन हाँ बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा एकदम जीरो से शुरू करूंगा मैंने लिखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा अभी देखेंगे आप लोग इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रीवियस करेंगे प्रीवियस ईयर की और एक ही वीडियो में खत्म होगा आप पूछेंगे सर ये किस एग्जाम के लिए होगा तो ये सभी एग्जाम के लिए होगा आप ग्रुप डी से लेकर किसी का भी एग्जाम दे रहे हो ये सेशन आप सबके लिए होगा चलिए आप कहेंगे सर बोर्ड एंड स्ट्रीम का एग्जाम में वेटेज क्या होता है तो मैं बोलूंगा कम से कम एक सवाल और ज्यादा से ज्यादा दो सवाल यानी एक से दो क्वेश्चन एक सवाल या फिर दो सवाल इस क्वेश्चन का वेटेज होगा और आज हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 40 क्वेश्चन में ही आपका यह एक या दो क्वेश्चन जो भी आने वाला होगा वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है भाई चलिए सभी बच्चे ठीक है बढ़िया है चलो तो हम लोग पहले बेसिक इसका सीखते हैं कि इसका बेसिक क्या है इसका बेसिक सीखते हैं हम लोग बेसिक बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम यानी ये जो टॉपिक है मेरे बच्चों ये भी एक स्पीड डिस्टेंस का पार्ट ही है बट इसे एक से दो सवाल फुटअप हो जाते हैं एग्जाम में है ना चलो नाव और धारा अब हम लोग समझते हैं कि नाव और धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पहले हम लोग बेसिक समझते हैं जैसे समझिए आप लोग जैसे मेरे बच्चों मान लीजिए ये आपकी धारा है ये आपकी धारा है मतलब वाटर स्ट्रीम है ये आपकी धारा है बात समझ गए अरे ठीक है सारे बच्चे और मान लीजिए कि इसमें एक नाव चल रही है नाव ये आपकी नाव है नाव बढ़िया बन गया क्या ऐसा तो नहीं कि नाव उड़ने वाला है मेरा अच्छा चलो नाव ठीक है नाव अच्छा बन गया है ये आपका नाव है बोट है ये आपका वाटर है आप सभी लोग जानते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं कि वाटर की भी एक अपनी स्पीड होती है यानी धारा की भी एक अपनी स्पीड होती है जो धारा होती है उसकी एक अपनी स्पीड होती है ये आपका वोट है तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है पहले हम लोग समझते हैं कि शांत जल क्या होता है टर्मिनोलॉजी समझते हम लोग जल यानी इसको बोलते वाटर। पहले समझिए स्टील वॉटर क्या है शांत जल स्टील वॉटर स्टील वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग शांत जल शांत जल मेरे बच्चों जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसे बोलेंगे हम शांत जल किसे हम लोग बोलेंगे शांत जल जैसा कि तालाब का पानी आपने देखा है वो शांत रहता है अगर तालाब के पानी में मतलब जो तालाब में अगर हम एक कागज की नाव बना के रखें तो वो मूवमेंट करेगा नहीं करेगा क्यों क्योंकि उसका पानी बिल्कुल स्टोर है उसका पानी बिल्कुल स्टोर है अगर तालाब में आप रखोगे कागज की नाव बना के तो वो नहीं चलेगा लेकिन यही अगर आप नाव नदी में रख दोगे संगम नदी में रख दोगे कागज की नाव लेकिन वो भी भागना शुरू कर देगा क्यों क्योंकि वो धारा की चाल से भागेगा जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि धारा की चाल पांच किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल पांच किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब अगर आप कागज की नाव बना के रखोगे तो वो एक घंटे में कागज की नाव पांच किलोमीटर चली जाएगी यानी एक घंटे में पांच किलोमीटर दूर चला जाएगा हालांकि कागज का कोई एनर्जी नहीं है उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो पांच किलोमीटर दूर चला जाएगा क्यों क्योंकि वो धारा की चाल है तो पहले बात समझते हम लोग जल सांत जल में नाव की चाल बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग शांत जल में शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं कि एक्स किलोमीटर पर आवर क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एक्स सांत जल में इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि सांत जल में नाव की चाल हमने मान लिया x और ये आपकी धारा है यानी धारा की चाल भी कुछ होगी मैंने मान लिया धारा की चाल अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि धारा की चाल है आपकी y की एम पी एच वाई की एम पी एच वाई किलोमीटर पर पर आवर यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट यानी धारा की चाल मेरे बच्चों आप बहुत ध्यान से समझेंगे बहुत प्यार से समझेंगे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यह है आपकी शांत जल में नाव की चाल यानी कि स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वॉटर एंड यह है कि स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसकी चाल को हमने वाई मान लिया इसकी चाल को हम एक्स मान लेंगे अब ध्यान से सुनिए अगर इस नाव को हम तालाब में चलाएं अगर इस नाव को हम तालाब में चलाएं और फिर इसी नाव को हम नदी में चलाएं ध्यान से सुनिएगा अगर इस तालाब को हम नाव में चलाएं तो तालाब का पानी बिल्कुल रुका रहता है यानी ये एक्स से ही जाएगा जितनी इसकी यूजुअल स्पीड होगी जितनी इसकी इनिशियल स्पीड होगी उसी से चलेगा लेकिन जब यही नाव इस नदी में उतार दूंगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी एक्स में वाई जुड़ जाएगा जब यह डाउन स्ट्रीम जाएगा धारा की दिशा में और जब धारा की उल्टी दिशा में जाएगा तो यह घट जाएगा पहली बात मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों अगर मान लीजिए मैं आपसे अगर बोलूं पॉइंट समझिए धारा की दिशा में नाव की चाल ध्यान से सुनिए धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी आप जैसे मान लो पानी जा रहा है पानी जिधर पानी बह रहा उधर आप भी जा रहे हो अगर जिधर पानी जा रहा है उधर आप भी जा रहे हो तो ये दोनों की दोनों स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी यानी मेरे बच्चों क्या हो जाएगा बोलो एक्स में वाई जोड़ दोगे आप तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आ कोई दिक्कत किसी को नहीं है इस हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ वोट विद द स्ट्रीम विद द स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल और अगर मैं लिखूं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में धारा विपरीत दिशा, दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताओ धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी बताइए साफ दिखाई नहीं दे रहा है साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या अच्छा एलो वाला कोई बात नहीं नहीं एलो यूज नहीं करेंगे चलिए X माइनस वाई किलोमीटर पर आ, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग ध्यान से आप लोग सुनेंगे सभी बच्चे ये शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर यानी बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम बात समझ में आ गया इसका और क्या बोलते हैं इसी का और क्या नाम है इसको बोलते हैं अनुकूल भी बोलते हैं अनुकूल इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह इसी का नाम है अनुप्रवाह तो अगर इसको अनुकूल बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे प्रतिकूल इसका एक नाम और है प्रतिकूल और इसे बोलेंगे अनुप्रवाह तो इसे बोलेंगे उर्द प्रवाह उर्द प्रवाह तो मेरे बच्चों आप बात समझ गए कि शांत जल में नाव की चाल एक्स धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में यानी स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम x माइनस वाई तो ध्यान से सुनिए आप सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए मेरे बच्चों ये भी नाव की चाल ही है ये भी नाव की चाल है यह भी नाव की चाल है और यह भी नाव की चाल है ये तीनों नाव की चाल है लेकिन ये क्या है यह शांत जल में नाव की चाल है यह धारा की दिशा में नाव की चाल है और यह धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है नाव की चाल यह भी है नाव की चाल यह भी है और नाव की चाल यह भी है लेकिन एक शांत जल में नाव की चाल है यानी स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वॉटर एक है स्पीड ऑफ वोट विथ द स्ट्रीम और एक है स्पीड ऑफ वोट अगेंस्ट द स्ट्रीम तो तीनों नाव की चाल है वाई क्या है धारा की चाल वाई क्या है मेरे बच्चों धारा की चाल क्लियर है बोलिए क्लियर हो गया आगे समझिए आगे हम लोग सम क्या चलिए आइए देखिए समझते हम लोग देखिए भाई समझते सभी लोग अभी हम लोगों ने समझा है एक्स क्या है शांत जल में नाव की चाल एक्स प्लस वाई क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल और एक्स माइनस वाई क्या है यानी ये तीनों नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल ये भी नाव की चाल ये भी, ना। ये भी नाव की चाल और ये क्या आपकी धारा की चाल ये है आपकी शांत जल में ये धारा की दिशा में ये धारा के विपरीत दिशा में और ये है आपका धारा की चाल मेरे बच्चों आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है धारा की दिशा में और धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है एक्स प्लस वाई तो इसको हम क्या बोल सकते डाउन स्ट्रीम एक होगा आपका अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में तो मेरे बच्चों ये आपको बात समझना है बार बार यूज होगा डाउन स्ट्रीम बार बार यूज होगा डाउन स्ट्रीम मतलब और अप स्ट्रीम मतलब अच्छा डाउन मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए कोई धारा है तो कहां जाती है डाउन होती है ना भाई धारा कहां जाती है डाउन धारा कहां होती है डाउन 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 भाई धारा आपकी नीचे जाती है कि नहीं धारा नीचे धारा की दिशा में और अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट अप्रीम का मतलब एक तरीके से अगेंस्ट अप्रीम का मतलब एक तरीके से अगेंस्ट और डाउन स्ट्रीम का मतलब विद द स्ट्रीम तो डाउन तो स्ट्रीम को हम किससे डिनोट करते हैं डी से और अप स्ट्रीम को किससे डिनोट करते हैं यू से तो डी बराबर क्या होगा एक्स प्लस वाई और यू बराबर क्या होगा एक्स माइनस वाई क्लियर चलिए आइए हम एक बात और समझते हैं हम लोग एक चीजें और समझते हैं मेरे बच्चों अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि, की कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में यानी कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी x माइनस वाई तो अगर कभी आपको धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया हो यदि आपको धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया हो यानी अगर ये वैल्यू एक्स की निकालनी हो तो डी प्लस यू का आधा और कभी वाई की वैल्यू निकालनी हो तो डी माइनस यू का आधा आप खुद बताओ कि अगर कहीं एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मान लीजिए कहीं दिया है x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू पंद्रह और x माइनस वाई की वैल्यू दिया मान लो दस तो आपको x की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे पंद्रह प्लस दस को जोड़ो और आधा कर दो यानी कि साढ़े बारह और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो पंद्रह में से दस घटाओ और आधा कर दो तो क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव अब ध्यान से सुनना ये x क्या है शांत जल में नाव की चाल y क्या है धारा की चाल x क्या है शांत जल में नाव की चाल y क्या है धारा की चाल तो जब शांत जल में धारा जोड़ोगे तो पंद्रह हो जाएगा और शांत जल में घटाओगे तो बारह हो जाएगा शांत जल में जोड़ोगे तो पंद्रह हो जाएगा और शांत जल में इसे आप घटाएंगे तो दस हो जाएगा क्लियर अब चलिए मैं एक बार ये रिवीजन कर दूं आपका पूरी चीजें मैंने आपको बोला कि शांत जल में नाव की चाल x चलो x क्या होगा शांत जल में नाव की चाल x प्लस वाई क्या होगा धारा की दिशा में नाव की चाल या इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम या अनुकूल या फिर अनुप्रवाह एक्स माइनस वाई क्या है तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि अप स्ट्रीम या फिर प्रतिकूल या फिर उर्द प्रवाह क्लियर यहां हम लोगों ने सीखा कि ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है ये नाव की चाल आपकी शांत जल में है ये नाव की चाल आपकी धारा की दिशा में है और ये नाव की चाल आपकी धारा की विपरीत दिशा में है और इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में चाल और अप्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल मेरे बच्चों तीसरा पॉइंट हमने आपको यह समझाया है कि अगर कहीं धारा की दिशा में चाल दिया है अगर आपको कहीं धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है अगर आपको धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया है और आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो दोनों को जोड़ के आधा कर दो और अगर कभी आपको y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर दो तो मैं पूछूंगा x क्या है तो आप कहोगे शांत जल में नाव की चाल मैं पूछूंगा y क्या है तो आप कहोगे धारा की चाल मैं बोलूंगा कि x बोलूंगाई क्या है तो आप बोलोगे सर ये भी नाव की चाल है लेकिन ये धारा की दिशा में मैं बोलूंगा कि एक्स माइनस वाई क्या है तो आप बोलोगे ये भी नाव की चाल है लेकिन धारा के विपरीत दिशा में मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हो और आपको x चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा और y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू दिया हो और x माइनस वाई की वैल्यू दिया हो और x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा और y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा क्या ये मेरी बात समझ आई बोलिए एक बार सभी लोग क्या आपको मेरी बात समझ आई बोलिए अगर कहीं आपको दिया जाए सिर्फ इतनी सी बात दिया जाए चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल अगर मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आर है और मैंने लिख दिया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल सोलह किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपसे मैं पूछ रहा हूं शांत जल में नाव की चाल यानी किसकी वैल्यू x की वैल्यू x की वैल्यू बताइए सभी लोग कमेंट करके x की वैल्यू हां अगर मैं आपको बोलूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर परार है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी यह भी नाव की चाल यह भी नाव की चाल मैं आपसे पूछा नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू तो क्या बताओगे सर 20 प्लस और 20 प्लस और डिवाइड तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों अठारह किलोमीटर पर कोई दिक्कत किसी को बोलिए अगर मैं पूछ लू धारा की चाल क्या होगी तो आप कहेंगे सर दोनों को घटा के आधा कर दीजिए और दोनों को घटा के आधा करेंगे तो 20 में से 16 गया 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दो किलोमीटर पर कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत सभी बच्चे समझ गए मेरी बात सभी बच्चे समझ गए देखो जब अट्ठारह में दो जोड़ोगे तो बीस मिल जाएगा और अट्ठारह में दो घटाओगे तो सोलह मिल जाएगा है ना सब समझ आया चलिए आप जानते हैं कि जिधर धारा जा रही है अगर उधर ही हम जाएंगे जिधर धारा जा रही है अगर उधर हम भी जाएंगे तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी और अगर हम धारा मान लो धारा इधर से जा रही है और तुम इधर से आ रहे हो तो स्पीड क्या होगी घट जाएगी यानी अगर तुम्हारी यूजुअल स्पीड 18 है और धारा की चाल दो है जब तुम धारा की दिशा में जाओगे तो 18 और 2 जुड़ के बीस हो जाएगा और जब धारा के विपरीत जाओगे तो ये सोलह हो जाएगा मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई ये बात आपको समझ आया कि नहीं बोलिए इसका मतलब समझ आया कि नहीं यानी धारा की दिशा में चाल हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चाल से बड़ी होगी ये बात आपको समझ आया यानी धारा की दिशा में चाल हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चाल से बड़ी होगी धारा की दिशा में चाल हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चाल से बड़ी होगी क्लियर हो गया

धारा की चाल ज्यादा होगी अब तुम खुद सोचो कि धारा की चाल मान लो चालीस है और तुम बीस किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चला रहे हो तो तुमको क्या करेगा नाव तो बहा के बंगाल की खाड़ी में ले जाएगा बोलो अरे तब तो तुमको बंगाल की खाड़ी में ले जाएगा इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल हमेशा शांत जल में नाव की चाल हमेशा धारा से ज्यादा होगी क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं होगी तो बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाओगे क्लियर अब चलो हम आपसे चार सवाल पूछते हैं सभी लोग बताएंगे कमेंट करके चार सवाल अगर मैं पूछूं यक्ष क्या है तो आप बोलेंगे नाव की चाल शांत जल में मैं पूछूं y क्या है तो आप कहेंगे धारा की चाल मैं पूछूं कि x प्लस वाई क्या है तो आप कहोगे ये भी नाव की चाल है लेकिन यह धारा की दिशा में नाव की चाल है मैं बोलूं कि x माइनस वाई क्या है तो आप बोलोगे भी ये भी नाव की चाल है लेकिन धारा की विपरीत दिशा में अब लास्ट दो सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दिया हो तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे दोनों को जोड़ के आधा और y की वैल्यू कैसे निकालोगे दोनों को घटा के आधा अब x y क्या है धारा की दिशा में नाव की चाल y क्या है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या मैं आपको अपना हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट समझा पाया एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एक बार सभी बच्चे थम दबाइए सभी बच्चे तो, तो था था था। मेरे बच्चों मैंने आपको बता रखा है यह भी नाव की चाल है यह भी नाव की चाल है यह भी नाव की चाल है यह शांत जल में यह धारा की दिशा में यह धारा के विपरीत दिशा में अगर यह दोनों वैल्यू दिया हो अगर यह दोनों वैल्यू दिया हो और आपको x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो और y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को हटा के आधा कर दो x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल y क्या होता है धारा की चाल x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल Y क्या होता है धारा की चाल क्लियर हो गया सबको समझ आया किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना अच्छा धारा की दिशा में जो चाल होती है तो मतलब मतलब, तो मतलब एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम और यू मतलब क्या होगा तो एक्स माइनस वाई ये तो आप लोग समझी गए हैं ये तो आप लोग समझी गए हैं ना क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है सर आपसे ऑनलाइन पेड क्लास कैसे मिलेगा मिल जाएगा चलिए पहले आप बेसिक से पढ़िए मैं सारा कॉन्सेप्ट फ्री पढ़ा रहा हूं चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सभी बच्चे बताएंगे एकदम बिल्कुल जीरो से एकदम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी सब सीख जाएंगे बस आप पेशेंस बना के चीजों को सीखते रहिए मैं अगर आपसे बोलूं मैं एक सवाल लिख रहा हूं बिल्कुल बेसिक शांत जल में शांत जल में नाव की चाल दस किलोमीटर प्रति घंटा है और मैंने बोला धारा की चाल धारा की चाल दो किलोमीटर प्रति घंटा है मैंने बोला धारा की चाल दो किलोमीटर प्रति मैंने दो चीजें लिखी हैं क्या लिखा है शांत जल में नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ वोट इन स्टील वाटर टेन की एम पी एच एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू की एम पी एच अब मेरा दो सवाल है अगर मैं आपसे पूछूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सर धारा की दिशा में होगी बारह किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये नाव अगर धारा की दिशा में जाएगा तो बारह किलोमीटर जाएगा मैं आपसे पूछूं कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी तो आप बोलोगे सर ये होगा आठ किलोमीटर पर आप कोई दिक्कत है बोलिए कोई दिक्कत सबको समझ आ रहा है किसी को कोई असुविधा हो रही है किसी को कोई दिक्कत बोलिए क्लियर है ये बात हाँ ये अरे छह कैसे होगा आकाश ये भी गलत कर दे रहे हो दीपाली ये भी गलत कर रहे हो बताओ ये भी बच्चे गलत कर रहे कितनी गलत बात है अरे मैंने लिखा शांत जल में नाव की चाल यानी किसकी वैल्यू है एक्स की और ये धारा की चाल किसकी वैल्यू है वैल्यूवाई की मैंने पूछा कि धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा मैंने बोला धारा विपरीत दिशा में कितना होगा तो दोनों घटेगा तो दस में से दो घटेगा आठ हो जाएगा क्लियर हाँ बारह आठ अब चलिए मैं एक सवाल और पूछता हूं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछता हूं एक सवाल आप लोगों से और पूछता हूं जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि शांत जल में एक नाव की चाल दस किलोमीटर परार है और धारा की चाल दो किलोमीटर पर आवर है तो मैंने आपसे पूछा कि धारा की दिशा में धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताइए धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इफ द स्पीड ऑफ वोट इन स्टील वॉटर स्टेन के एम पी एच एंड द स्पीड ऑफ स्टीन इज टू किलोमीटर पर आवर देन फाइंड तो ज्ञात करें 48 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा तो मेरे बच्चों दुनिया का हर बच्चा जानता कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल दूरी कितनी है 48 किलोमीटर अब ये समय बराबर दूरी बटे चाल लेकिन कौन सी चाल जहां नाव चलेगी अगर कहता धारा की दिशा में चलानी है तो धारा की दिशा वाली चाल कहता धारा के विपरीत दिशा में चलानी है तो धारा के विपरीत दिशा वाली चाल कहता शांत जल में चलानी है तो शांत वाली चाल अब धारा की दिशा में चलानी है तो ये क्या हो जाएगा बार है और कितने घंटे लगेंगे आप बोलेंगे चार घंटे लगेंगे किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं है अगर मैं आपसे पूछ लू इतनी सी बात बताइए मैं आपसे पूछ लू धारा के विपरीत दिशा में मैं बोलूं धारा के विपरीत दिशा में छप्पन किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी बताइए धारा के विपरीत दिशा में ये सारे सवाल है आप लिखिएगा धारा के विपरीत दिशा में छप्पन किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी अब बताना समय और समय बराबर होता है मेरे बच्चों दूरी बटे चाल और दूरी कितनी है छप्पन अब चाल कौन सी लेंगे धारा के विपरीत वाली अब यह है आपकी शांत जल में नाव की चाल दो घटाएंगे तो सौ दस में से दो जाएगा आठ और आठ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई सात घंटे अब देखना इसमें भी कुछ बच्चे गलत बता देंगे अब देखिए हाँ इसमें भी चलिए कोई किसी का गलत नहीं होना चाहिए हाँ सौ के पार ठीक है चलिए दीपाली बहुत अच्छा अच्छा अगर मैं आपसे पूछू एक सवाल मैं और आपसे पूछ रहा हूं चलिए पहले ध्यान से सुनिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए आज मैं सारे एग्जामों के सवाल लिया हूं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा मैं आपसे पूछूं, धारा की दिशा में छह घंटे में, में कितनी दूरी तय की जाएगी छह घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी कितनी दूरी तय की जाएगी कितनी दूरी, दूरी बताइए मैंने पूछा कि शांत जल में एक नाव की चाल दस किलोमीटर प्रति घंटा है यदि धारा की चाल दो किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह नाव धारा की दिशा में जाएगी तो छह घंटे में कितनी दूरी जाएगी छह घंटे में कितनी दूरी जाएगी यदि वो नाव धारा की दिशा में जाए तो छह घंटे में कितनी दूरी जाएगी यानी दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इन टू टाइम कितने घंटे में छह घंटे में अब देखो अगर धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड धारा की दिशा वाली लेनी पड़ेगी यानी कि बारह गुड़े छह बारह गुड़े यानी कि बहत्तर किलोमीटर क्लियर क्लियर है सभी बच्चे अगर मैं बोलता कि बताओ धारा के विपरीत अगर मैं तुमसे बोलता बताओ धारा के विपरीत बताओ धारा के विपरीत कितने किलोमीटर जाएगी तब क्या बोलते है? धारा के विपरीत कितने किलोमीटर तो धारा के विपरीत लेना पड़ता तो दस में से दो जाएगा आठ और छह घंटे में कितना जाता अड़तालीस किलोमीटर क्लियर हो गया क्या ये मेरी बात आपको समझ आ गई बोलिए क्या आपको बात समझ आ गई क्या आपको ये बात समझ आई बोलिए सभी बच्चों को क्लियर सभी बच्चों को क्लियर है हाँ सर ऐप पर इंडिविजुअल मैथ नहीं दिखाई दे रहा हाँ दिखेगा दिखेगा प्रिंस दिखेगा सर ऐप पर हाँ प्रिंस दिखेगा दिखेगा कोई बात नहीं चलिए आइए मैं कुछ सवाल और आपसे पूछता हूं जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा सबका तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा अगर मैं आपसे पूछू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और देख लेना इस सवाल में बहुत लोगों की गलती आएगी देख ले इसमें बहुत लोगों की गलती आएगी अगर मैं आपसे बोलूं कि धारा की सुनना ये सारा चीज लिख लेना जितनी चीजें लिखा हो पूरा नोट्स बना लेना धारा की दिशा में अगर मैं बोलूं नाव की चाल देखना कितने लोगों से गलती होगा धारा की दिशा में अगर नाव की चाल मैं बोल दूं, 20 किलोमीटर पर आवर अब देखना कितने लोगों से गलती होगा और धारा की चाल मैं बोल दूं चार किलोमीटर पर आर तो बताओ पहला सवाल शांत जल में नाव की चाल क्या होगी शांत जल में नाव की चाल चलो बताओ शांत जल में नाव की चाल ये बताओ तो यानी स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर बताओ हां देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को सही बताते हैं मैंने आपसे पूछा कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल ये है और धारा की चाल ये है तो आपको बताना शांत जल में नाव की चाल बताओ सर ऑनलाइन इंडिविजुअल मैथ कोर्स कब आएगा आ जाएगा बेटा जल्दी आएगा आप लोगों को पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ आप लोग जोड़िए सबको पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ यार फ्री में पढ़ा रहा हूँ क्यों टेंशन ले रहा हूं सोलह 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 सर जी आपकी आवाज बहुत प्यारी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब ये बोला गया धारा की दिशा में इसका मतलब है बीस किसकी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की और ये धारा की चाल बोला गया तो किसकी वैल्यू है वाई की अब बोलो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है तो अगर वाई यहां रख दोगे तो अब बोला गया शांत जल में नाव की चाल तो किसकी वैल्यू पूछी गई एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू यानी वाई घटाना पड़ेगा वाई घटाना पड़ेगा तो बीस में से चार जाएगा तो कितना हो जाएगा सोलह किलोमीटर पर फरार कोई गलत तो नहीं बताया नहीं हाँ अच्छा मान लो एक सवाल मैं और पूछ दूं एक सवाल और पूछ दू बताइए धारा के विपरीत चाल क्या होगा धारा के विपरीत चाल क्या होगा धारा के विपरीत चाल क्या होगा बताओ धारा के विपरीत चाल धारा के विपरीत चाल धारा के विपरीत चाल बताइए धारा के विपरीत चाल धारा के विपरीत चाल अभी क्वेश्चन कराऊंगा पहले पेशेंस रखो कॉन्सेप्ट सीखो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में एक बार जो टॉपिक मैंने बेटा आपको पढ़ा दिया फिर लाइफ में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है संदेश रवि सिंह गुरु आशीर्वाद है आपका एग्जाम है है ठीक है, कल एग्जाम है मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आप एग्जाम अच्छा करके आएंगे उम्मीद है चलिए तो ये शांत जल में नाव की चाल सोलह है और सोलह में से भी हम चार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा धारा के विपरीत धारा के विपरीत क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलो अब मैं एक सवाल आपसे तुरंत और पूछ लेता हूं सभी बच्चे ये सवाल बता दिए हैं अब एक सवाल मैं डायरेक्ट और पूछ लेता हूं तुमसे देखते हैं ये सवाल अगर गलत कर दिए ये सवाल लेकिन कोई गलत नहीं करेगा ये सवाल अब कोई गलत नहीं करेगा ये सवाल अब कोई गलत नहीं करेगा ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा चलो ये बताओ ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी देखना गलत बताएंगे आप लोग अपना कमेंट देखते रहिए अभी देखिए बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे चलिए बताइए मैंने बोला कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर पर परार है और धारा की चाल तीन है तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी अब देखना गलत बताएंगे बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे देख लेना तुरंत के तुरंत सीखा आंसर गलत है तुम्हारा अभी देखिए कितने बच्चे गलत बताएंगे देखते रहिए आप लोग अभी देखते रहिए बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत बच्चों का गलत होगा एक बार कमेंट कर दुआ धार चलो हाँ अमेरिका का आई एस सॉरी अमेरिका का आई एस आ गया क्या मेरे पास चलो ठीक है देखो एक बच्चे ने बताया उन्नीस होगा एक बच्चे ने बोला उन्नीस होगा चलो मैं देखता हूं उन्नीस एक देखो एक बाईस बता दिया गलत बता दिया एक लोग बाईस एक लोगों ने गलत बता दिया दो लोगों ने गलत बता दिया दो लोगों ने गलत बता दिया एक कुछ लोग बाईस एक ग्यारह बता रहे एक उन्नीस बाईस वाह 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 क्या बात अट्ठाईस देखो गलत बताना शुरू हो गया मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि गलत होगा देखो कितने लोगों का गलत हो रहा देखो देखो कितने लोगों का गलत हो रहा है मैंने बोला था ना गलत होगा मैंने बोला था गलत होगा आकाश गलत बता रहे हैं आप ये देखो धारा की दिशा में अगर ये चाल है तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू है ना भाई अगर धारा की दिशा में चाल है ये अगर ये धारा की दिशा में चाल है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है और अगर ये धारा की चाल होती वाई की वैल्यू है बोलो बोलो अब हमें निकालना धारा के विपरीत चाल अगर हम 25 में से अगर एक बात बताओ कि x y की वैल्यू अगर हम तीन रख दें और बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या हो लेकिन ये, x की आ जाएगी 22 लेकिन मेरे बच्चों शांत जल में नाव की चाल x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल जबकि हमको बताना धारा के विपरीत माइनस वाई की वैल्यू तो 22 में से तीन घटा के 19 होगा मैंने बोला था ना आप लोग गलत करोगे मैंने बोला था पहले आप लोग गलत करोगे मैंने पहले बोला था आप गलत करोगे देखो बहुत सारे बच्चे गलत किए मेरे बच्चों अगर कोई पूछे धारा की दिशा में नाव की चाल पच्चीस कोई बोले धारा की चाल कितनी होगी तीन कोई बोले शांत जल में नाव की चाल बाईस कोई बोले धारा के विपरीत नाव की चाल उन्नीस तो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है ये धारा की दिशा में नाव की चाल है ये शांत जल में नाव की चाल है यह धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है बोलो अब तो गलत नहीं करोगे अब तो गलत नहीं करोगे अब तो गलत नहीं करोगे ना एक बार सभी बच्चे वादा करें कि अब सर गलती नहीं होगी अब एक बार वादा करो हमसे एक बार वादा करो चलो मैं एक सवाल और पूछता हूं जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक सब नहीं सही बताएंगे अगर मैं बोलूं कि धारा के विपरीत दिशा में चाल 40 किलोमीटर पर आर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आर है तो आपको बताना धारा की दिशा में चाल क्या होगा धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ बताओ धारा की दिशा में नाव की चाल ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है सीखना धारा की दिशा में नाव की चाल बताइए मैंने लिखा कि धारा के विपरीत दिशा में चाल किसकी चाल नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो चालीस है धारा की चाल चार है तो धारा की दिशा में आपको चाल बतानी है चलो ये गलती मत करना ये गलती मत करना इस बार इस बार गलती मत करना सभी लोग इस बार गलती नहीं कोई करेगा इस बार कोई गलती नहीं करेगा चलो 48 बता रहे बच्चे 48 48 48 48 48 चलो बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा सात दीजिए ठीक है अड़तालीस बाद वा... देखो एक बच्चा गलत बता दिया फिर एक पकड़ गया चौवालीस बता दिया गलत बोल गया मेरे बच्चों ये धारा के विपरीत है यानी और एक्स माइनस वाई की वैल्यू चालीस है ये वाई की वैल्यू चार है अगर वाई रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अड़तालीस सॉरी चालीस और चार जोड़ोगे चौवालीस लेकिन एक्स क्या होता है शांत जल में नाव की चाल और मैंने क्या पूछा धारा की दिशा में नाव की चाल यानी चौवालीस में भी चार जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर क्लियर क्लियर हो गया सभी को हां चलो आज का बेसिक का लास्ट क्वेश्चन बेसिक का लास्ट क्वेश्चन अगर आपको मैं बोलूं धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की, की, की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आर और धारा के विपरीत दिशा में सब लिखना है ये पूरा का पूरा नोट्स बनाना है विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आर है ये दो इंफॉर्मेशन आपको दो सवाल बताना है। पहला बताना है शांत जल में नाव की चाल शांत जल में शांत जल में नाव की चाल ये पहला सवाल है शांत जल में नाव की चाल और दूसरा सवाल आपको बताना है धारा की चाल दूसरा सवाल मेरे बच्चों बताना है धारा की चाल ये दो सवाल आपको बताने हैं दो सवाल आपको बताने चलिए सभी लोग बताएं दो सवाल बताएं हमने क्या बोला गया है कि बोला की की है। धारा की दिशा में नाव की चाल इतना है यानी धारा की दिशा में देखो ये भी नाव की चाल है ध्यान से सुनना ये भी नाव की चाल है ये भी नाव की चाल है और हमने नाव की चाल पूछी है लेकिन यह धारा की दिशा में नाव की चाल है ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है लेकिन हमने क्या पूछा शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू धारा की चाल यानी कि वाई की वैल्यू और यह धारा की दिशा में नाव की चाल यानी किसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू और धारा के विपरीत पूछा यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू बोलो सही है मैंने क्या बोला था अगर आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हो और आपको x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना दोनों को जोड़ के आधा कर देना यानी 36 का आधा कितना होगा है और अगर y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर देना दोनों को घटा के आधा कर देना यानी कि दो किलोमीटर पर आर तो कोई बोले शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल यानी यक्ष तो अठारह किलोमीटर पर आवर कोई बोला धारा की चाल यानी वाई तो दो देखो अठारह में दो जोड़ोगे तो बीस और अठारह में दो घटेगा तो सोलह चलिए बेसिक सबका क्लियर अब हम क्वेश्चन पे एक बार सभी बच्चे बोले रेडी है क्या आप लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लिए है आपको आज मजा आने वाला है आज आपके मैं बोट एंड डिस्ट्रेप का झंझट खत्म एक बार जरा बताओ क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जिस चीज का क्लियर हो थम दबाइए फटाफट जल्दी से जिस जिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थम दबाइए वीडियो को शेयर करिए और आज कम से कम 200 के पार जाना चाहिए आज कम से कम 200 के पार जाना चाहिए चलिए हाँ एक बार जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो दबा दो दो सेशन को शेयर कर देखो मैंने कितना तुमको बेसिक समझाया एकदम बिल्कुल कई एग्जाम्पल लेके ले जब तक सबने सही नहीं किया तब तक नहीं चलो सवाल हमारा पहला आपके सामने आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है

तो उल्टी दिशा में जाने के लिए क्या करेंगे माइनस होगा कि प्लस बोलो माइनस होगा कि प्लस तो आठ में से दो जाएगा और कितने घंटे में दो घंटे में बारह किलोमीटर कोई बच्चा गलत तो नहीं बताया सवाल अब देख लो ये बीस किलोमीटर बता दिया एक बच्चे ने अनुज ने क्या यार अनुज आप तो पूरा किए कराए पे पानी फेर दिया आपने आपने तो पूरा किए करा बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी बताओ यार गुरुदेव एक बार भाई शायरी तो पढ़ लीजिए अच्छा ठीक है कर दीजिए मैं पढ़ लेता हूं अरे ये धारा के प्रतिकूल बोला है अगर ये धारा के अनुकूल बोलता अगर ये धारा के अनुकूल बोलता धारा के अनुकूल बोलता तो क्या लेते जहां स्पीड आठ में से दो घटा के छह लिए हैं तहां आठ में से दो जोड़ के दस लेते हैं। हाँ बारह आएगा चलो तो इसका उत्तर क्या होगा सही बारह देखो बीस गलती मत करो यार गलती मत करो आओ इस सवाल को करो चलिए तेरे चेहरे पर ये नूर कैसा कोहिनूर तो चुरा लिया मुझसे मेरे सामने ये कोहिनूर कैसा पढ़ाई से तो दूर का वास्ता था मुझसे आपको देख कर ये चढ़ा सुरूर कैसा सर लव यू लव यू माई डियर आइए ये करो ये करिए इस सवाल को करिए बोला गया एक नाव धारा के अनुकूल तीन घंटे में साठ किलोमीटर जाती है और यह प्रतिकूल पांच घंटे में नब्बे किलोमीटर जाती है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात यानी दोनों निकालना है दोनों निकालना है ना अब देखो धारा के अनुकूल है डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई यानी अगर वो साठ किलोमीटर तीन घंटे में जाए तो क्या बोलेंगे बीस किलोमीटर पर आवर बीस किलोमीटर पर आवर लेकिन ये कहा है डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई और बोला गया है कि 90 किलोमीटर पांच घंटे में 90 किलोमीटर पांच घंटे में यानी चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय 18 किलोमीटर पर आप ये आपकी एक्स माइनस वाई है अगर कोई पूछे धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल तो 20 और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है। अगर आपसे पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के करेंगे हम लोग आधा यानी कि 19 और अगर कहीं वाई की वैल्यू पूछ लिया जाए तो दोनों को घटा के करेंगे आधा यानी कि एक तो रेशियो क्या आ जाएगा उन्नीस रेशियो एक क्या है शांत जल वाई क्या है धारा तो बोला गया शांत जल और धारा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सभी बच्चे बता रहे हैं उन्नीस एक प्यार मोहब्बत सब धोखा है दवाई कर लो अभी मौका है ये क्या है पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं चलिए करिए इस सवाल को करें सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे अरे अभी कहा जा रहे हो आज तो चार घंटे पढ़ना हम लोगों को चालीस सवाल करने बेटा अभी कहा जा रहे हो तुम लोग सभी पढ़ो देखो ये मेंस का सवाल है मेंस का सवाल करो स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर और इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय करेगा बताना है यानी ये जो चाल है वो क्या है स्थिर जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू और ये धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू बोला गया नब्बे किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना नब्बे किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना है तो आप बोलेंगे सर शांत जल में नाव की चाल कितनी है नब्बे किलोमीटर तो जाना डाउन स्ट्रीम में तो जब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी यानी कि चौबीस और नब्बे किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों की चालें घट जाएंगी अट्ठारह में से छह घटा के क्या लिखेंगे धारा तो छः दूना बार है छः से कट जाएगा पंद्रह बार में और तुम्हारा चार से छः बार में और चार से तुम्हारा पंद्रह बार में और काट लो तीन पचे पंद्रह तीन दूना छः, सही है कोई गलती तो नहीं है लग रहा है यहां कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया कोई बात नहीं देखो किससे काटा हमने चार से छह बार में और ओहो चार से काट दिया गलत कर दिया छह चौको चौबीस और छह से कटेगा पंद्रह बार अब तो नहीं कटेगा तो ये पंद्रह बटे चार घंटे यहां लगेंगे और पंद्रह बटे दो घंटे यहां लगेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तीस और साठ नब्बे बटे आठ और नब्बे बटे आठ को लिख सकते हैं पैंतालीस बटे चार और 45 को जब चार से भाग दोगे तो क्या आएगा ग्यारह सही एक बटे चार तो आने जाने में कुल समय लिया गया ग्यारह सही एक बटे चार घंटे तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा यानी कि 90 किलोमीटर अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएं और 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाए तो जो टोटल टाइम है वो ग्यारह सही एक बटे घंटे का क्या आपको मेरी बात समझ आ गई भाई बोलिए अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलो ये सवाल करो अब क्वेश्चन नंबर चार हम लोग आज टोटल चालीस सवाल करने वाले हैं तो बिल्कुल खाना पीना खा के तुम लोग तैयार रहो बाकी थाली वाली लेके ले ले बैठ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो थाली में रख लो मोबाइल कटोरी में थाली में रखो कटोरी और उसमें रख लो मोबाइल और पढ़ा करो खाया करो मौज लिया करो चलिए ये बताइए ये सवाल करिए एक घंटे में कोई व्यक्ति अपनी डोंगी से डोंगी मतलब किसी नाव से धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के अनुकूल इतने चाल से चल सकता है तो धारा की दिशा में चाल अब देखो ये दिया गया अपस्ट्रीम यानी उल्टी दिशा में और ये सीधी दिशा में धारा की चाल पूछा गया है तो धारा की चाल क्या होता है दोनों को घटा के आधा यानी तेईस में से ग्यारह जाएगा तो बारह और बारह को दो से भाग दोगे तो कि 6 किलोमीटर पर आर यानी कि सिक्स के एम पी एच पर आर तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये वाला अच्छा यहाँ तो दो दो ऑप्शन छह गलत है मतलब छह सही होगा चलो छह सही होगा ये सवाल करिए क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच करें किसी नाव को धारा के प्रतिकूल बारह किलोमीटर जाने में अस्सी मिनट लगते हैं और धारा के अनुकूल पंद्रह किलोमीटर जाने में साठ मिनट लगते हैं स्थिर जल में इसे छत्तीस किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा देखो पूछा गया है हमेशा सवाल की लास्ट लाइन पढ़ा करो पूछा गया है सवाल की लास्ट लाइन स्थिर जल में इसे 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यानी समय बोला गया है यानी समय और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल दूरी कितनी जानी है छत्तीस अब चाल कौन सी चाहिए अब चाल कौन सी लेंगे अगर शांत जल में जाना है तो शांत जल वाली चाल धारा की दिशा में जानी है तो धारा की दिशा वाली चाल और धारा की विपरीत दिशा में जानी है तो धारा की विपरीत दिशा वाली चाल सर नहीं ठीक नहीं ठीक रहा चलिए अब कहा जाना है स्थिर जल में तो स्थिर जल का निकालना पड़ेगा किसी नाव को धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 80 मिनट में तो अगर 12 किलोमीटर है और ये 80 मिनट है तो 80 अगर ये किलोमीटर है तो मिनट को हमको घंटे में बदलना पड़ेगा और घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे लेकिन 60 पलट के जाएगा ऊपर तो 20 बीस 60 20 से कट जाएगा चार बार में और चार से कट जाएगा तीन यानी क्या बोलेंगे नौ किलोमीटर पर आर नौ किलोमीटर पर आर क्लियर धारा के प्रतिकूल है ये अनुकूल निकालो और धारा के अनुकूल पंद्रह किलोमीटर जाने में साठ मिनट अच्छा साठ मिनट का मतलब एक घंटा साठ किलोमीटर का मतलब एक घंटा यानी कि यहां स्पीड कितनी है पंद्रह पंद्रह किलोमीटर पर अब सबको पता है यहां से सुन, सोचने की जरूरत नहीं है अगर यह वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब धारा की दिशा में है और यह वैल्यू छोटी है इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में है हमसे पूछा क्या गया है अगर दोनों को जोड़ के हाफ कर दें तो पंद्रह नौ चौबीस अगर दोनों को जोड़ के हाफ करें तो चौबीस का आधा क्या होगा बारह और दोनों को घटा के अगर हाफ करें अगर दोनों को घटा के हाफ करें तो हो जाएगा तीन तो ये शांत जल में ना की चाल ये धारा की चाल कहां जाना है शांत जल में तो शांत जल वाली चाल लेंगे और बारह से भाग देंगे तो कितने घंटे आएंगे तीन घंटे आपके सवाल का उत्तर क्या होगा तीन घंटे तीन घंटे आपके सवाल का सही उत्तर होगा बहुत अच्छा वेरी गुड वेरी गुड सबको समझ आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ बेसिक से चीजें चल रही हैं कि और बेसिक बताऊं या और फास्ट एक बार बताओ बेसिक से चीजें समझ रहे हो कि नहीं एक बार सभी बच्चे घंटे हाँ, क्रांति तिवारी अफसर सागर सोनी सौम्या हिमांशु चलिए सारे बच्चे आ चुके हैं मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ और मैं आपको ये गारंटी देता हूं मेहनत जो आप कर रहे हैं ये वास्तव में आपका बहुत ही मेहनत शानदार है बहुत ही आपके काम आएगा है ना चलो आओ ये बताओ दिया गया कि, कि नाव धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम आठ घंटे में चौसठ जाता है अब चौसठ किलोमीटर कितने घंटे में आठ घंटे में तो चाल क्या निकल गई आठ किलोमीटर पर आर आठ किलोमीटर पर आर और एक सौ बीस किलोमीटर बारह घंटे में एक सौ बीस किलोमीटर बारह घंटे में तो कितने निकल गई दस किलोमीटर पर आर अब सबको पता है कि अगर ये ज्यादा है तो ये धारा की दिशा में है और ये कम है तो धारा के विपरीत दिशा में स्थिर जल में नाव की चाल यानी फाइंड द स्पीड ऑफ वोट इन स्टील वाटर यानी द वैल्यू ऑफ एक्स तो दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे यानी दस और आठ अट्ठारह का हाफ और अठारह का हाफ क्या बोला गया है अच्छा नौ मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो यह किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं पांच बटे अठारह यानी नौ से दो बार में और दो से काट दो यानी कि ढाई मीटर प्रति सेकेंड ढाई टू पॉइंट फाइव मीटर प्रति सेकेंड ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा ढाई ढाई बहुत अच्छा सर आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है थैंक यू माय डियर आप सभी लोगों का इतना प्यार है इतना सपोर्ट है अरे यार मैं क्या मैं तो पूरा आपके लिए पूरा फुली डेडिकेटेड हूँ मैं तो बिल्कुल पागल हो रखा हूँ मेरे ऊपर तो बिल्कुल भूत सवार है बस समझ लो इतना ही मेरे ऊपर समझ लो भूत सवार है कुछ मंगा दें, खाएंगे <coughs> चलिए आइए ये करते हैं हमारे टेक्निकल महोदय भी आज इनकी नई नई शादी हुई है लेकिन क्या करें मजबूरियां बेचारे आज संडे को कहीं घुमाने ले जाते लेकिन हमारा क्लास इनको हमारी तरफ खींचता हुआ ले आया चलिए कोई बात नहीं आइए इस सवाल को करें इस सवाल को करिए बोला गया स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है सर नहीं थिक रहा है क्या थिक रहा व्हाट इज थिक रहा है? सर राइटिंग कलर सही नहीं दिख रहा है क्यों नहीं सही दिख रहा है कौन सा कलर नहीं दिख रहा भाई ये ब्लू तो था 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 अरे, अरे सही दिख रहा होगा अरे अरे ब्लू कलर तो सही दिख रहा है ना भाई ये तो सही दिख रहा है एक बार बता दो कौन कौन सा कलर यूज करना है एक बार कमेंट कलर कर दो कमेंट कर दो कौन कौन सा कलर यूज करना है ठीक है हाँ, राइटिंग कलर ठीक है कोई बात नहीं देखो स्थिर जल में नाव की चाल तीस है यदि नाव धारा के अनुकूल सात किलोमीटर की दूरी एक घंटा तीस मिनट में तय करती है तो धारा के विपरीत साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगी बोला गया कि दा... पहले हमेशा क्वेश्चन मत पढ़ा करो तुम सीधा यह पढ़ा करो कि सवाल में पूछा क्या गया है बोला गया धारा के विपरीत साठ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा यानी समय और समय बराबर होता दूरी बटे चाल और दूरी कितनी जानी है साठ लेकिन कौन सी चाल धारा के विपरीत यानी कि x- माइनस वाई अब देखो दिया गया कि नाव धारा के अनुकूल साठ किलोमीटर यानी साठ किलोमीटर कितने घंटे में एक घंटे तीस मिनट का मतलब डेढ़ घंटे यानी कितना हो जाएगा चालीस किलोमीटर पर आर यह है आपकी धारा के अनुकूल यानी कि x+ प्लस वाई की वैल्यू तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू और बोला गया शांत जल में नाव की चाल तीस है यानी एक्स की वैल्यू तीस है मेरे बच्चों x एक्स की वैल्यू क्या है तीस दिया है तो बताओ एक्स माइनस वाई क्या होगा अब देखो ध्यान से सुनना सभी लोग कौन कौन सा कलर बच्चे बोल रहे हैं जरा बताइए तो हां अगर x प्लस वाई की वैल्यू 40 है और x की वैल्यू 30 है इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी यानी धारा की चाल होगी 10 किलोमीटर पर आर दस किलोमीटर पर आवर लेकिन हमको धारा के विपरीत चाहिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो यानी तीस में से दस घटाएंगे बीस होगा तो यहाँ क्या रखेंगे यहाँ तीस रखेंगे बीस रखेंगे बताओ तीस रखेंगे कि बीस रखेंगे मेरे बच्चे बीस रखेंगे और बीस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा तीन घंटे तो हमेशा पहले यह देखा करिए कि पूछा क्या गया आपसे सवाल की हमेशा लास्ट वाली लाइन पढ़ा करें कि आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा क्या गया है ठीक है सबको समझ आया किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ अरे कोनो दुख तकलीफ तो नहीं है बोलो सर नहीं दिख रहा यार नहीं दिख रहा बोलो मैं क्या करूं पूछ तो रहा हूं क्यों नहीं दिख रहा भाई बच्चे क्यों सारे कमेंट कर रहे हैं अच्छा कितने बच्चों को दिक्कत है जरा बताइए तो कितने बच्चों को दिक्कत है चलिए मैं ब्लैक ले लेता हूं ब्लैक तो दिखिएगा ना ब्लैक तो दिखिएगा बताइए ब्लैक तो दिखेगा ना हाँ ब्लैक कलर चलो ब्लैक कलर पेन हल्का कलर है बहुत चलो ठीक पेन हल्का दिख रहा है जबकि मैं रेड और ब्लू ही यूज कर रहा हूं ज्यादातर रेड और ब्लू ही यूज कर रहा हूं ज्यादातर तो हाँ? चलो ये बताओ यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का बीस प्रतिशत देखो अब धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा अब धीरे धीरे सवाल का लेबर बढ़ेगा थिकनेस इंक्रीज कीजिए सर पेन की हाँ इंक्रीज कर दिए हैं यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का बीस प्रतिशत है और यह धारा के प्रतिकूल एक सौ बीस किलोमीटर की दूरी डेढ़ सौ मिनट में तय करती है तो नाव की धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करें यानी नाव की चाल बतानी है अनुकूल अनुकूल का मतलब किसकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू यानी हमें यह बताना है कुल मिला के बात यह है कुल मिला के बात यह है बोलो सही है कुल मिला के बात यह है क्लियर हां सबको क्लियर हो गया चलो देखो आगे मेरे बच्चों बोला गया है यह धारा के प्रतिकूल या धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू 120 किलोमीटर डेढ़ 150 मिनट 150 मिनट का मतलब होता है ढाई घंटे तो पांच रहता तो 24 बार में जाता लेकिन यह 48 बार में जाएगा 48 किलोमीटर पर अब देखो ये निकल गया कोई पूछे कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या तो 48 अब यहां दिया हुआ है यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20 प्रतिशत है स्थिर जल में नाव की चाल यह होती है धारा की चाल यह होती है ये तो तो सबको सबको पता पता है तो पता है ना 20 प्रतिशत मतलब अगर यह 100 होगा यह पांच होगा तो कितना होगा एक होगा अगर यह पांच होगा तो कितना होगा एक होगा बोला गया कि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20 प्रतिशत यानी यह पांच होगा तो यह एक होगा यानी शांत जल में नाव की चाल पांच यूनिट और धारा की चाल एक यूनिट मैं बोलूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल तो पांच में एक जोड़ के छह यूनिट मैं बोलूं धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो पांच में से एक घटा के चार यूनिट तो अगर मैं बोलूंगा धारा की दिशा में नाव की चाल तो छह यूनिट मैं बोलूंगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल तो चार यूनिट यानी ये भी धारा की विपरीत दिशा में है यानी किसकी वैल्यू है चार यूनिट की और चार की वैल्यू अड़तालीस है तो एक की वैल्यू क्या होगी बताइए बारह एक की वैल्यू बार है इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी तो हम बोलेंगे साठ किलोमीटर पर आप कोई हमसे पूछे कि धारा की चाल क्या होगी तो हम बोलेंगे बारह किलोमीटर पर आप ये भी बोल सकते हैं लेकिन हमसे पूछा गया धारा के अनुकूल तो ये हो जाएगा बहत्तर किलोमीटर पर आर बहत्तर किलोमीटर पर आर सेवेंटी टू बहुत अच्छा सर आपके क्लिप का कमाल सो स्टूडेंट लाइव चलिए थैंक यू आइए ये सवाल करिए इस सवाल को करें इस सवाल को करें इस सवाल को लेकिन सौ से काम नहीं चलेगा आज चाहिए कम से कम दो सौ बच्चा कम से कम दो सौ यार इतनी मेहनत करते यार आपके लिए तो कम से कम दो सौ तो लाइक बनता ही है एक मोटरबोट धारा के साथ दो घंटे में चौबीस और धारा के खिलाफ एक घंटे में दस जाती है अब देखो धारा के साथ अगर दो घंटे में चौबीस जाएगी तो अगर चौबीस जाए दो घंटे में तो स्पीड क्या हो जाएगी बारह स्पीड हो जाएगी बारह किलोमीटर पर आवर बारह केमपीएच और धारा के एक घंटे में दस तो एक घंटे में दस जाएगी तो क्या हो जाएगा टेन के भाई अगर एक घंटे में दस जाए तो बोला गया कि प्रति घंटे मोटरबोट की गति बताना क्या पूछा गया है द स्पीड ऑफ द मोटरबोट इन किलोमीटर पर आवर इज इन स्टिल वाटर स्टिल वाटर का मतलब शांत जल तो शांत जल में चाल कैसे निकलेगी दोनों को जोड़ के आधा करोगे आप तो बारह दस बाईस और बाईस का आधा हो जाएगा ग्यारह किलोमीटर पर आवर तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला क्वेश्चन नंबर ये करिए अब धीरे धीरे देखो सवाल का लेबर इंक्रीज होगा एक वीडियो पढ़ लिया खत्म फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं हर की एक वीडियो पढ़ा दूंगा तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा अभी देखना कैसे कैसे सवाल लिए हैं देखो ये मेंस के सवाल है, इतने अच्छे सवाल है दो हजार बीस में पूछा गया करो 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 सभी लोग एक आदमी नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है उस आदमी को स्थिर जल में चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल स्थिर जल में चाल यानी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो भाई अगर हमें x की वैल्यू बतानी है या y की वैल्यू बतानी है अगर हमें x की वैल्यू बतानी है या फिर y की वैल्यू बतानी है तो हमें x प्लस वाई की भी वैल्यू चाहिए x माइनस वाई की भी वैल्यू चाहिए देखो 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में 12 मिनट में अब चूंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा तो इसको किलोमीटर में कर लो इसको आवर में कर लो तो नौ मीटर का मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट किलोमीटर भाई अगर ये किलोमीटर पर आवर में पूछा तो इसको किलोमीटर में कर लो इसको आवर में कर लो और मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या होता है साठ से भाग देते हैं तो 12 से 5 बार में यानी हो जाएगा साढ़े चार किलोमीटर पर आवर साढ़े चार किलोमीटर पर आवर क्लियर है और 9 मिनट में वापस आ जाती है 9 मिनट में 9 मिनट में वापस आ जाती है तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में चाल तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो छह चार दस यानी फाइव पॉइंट टू फाइव सिक्स प्लस फोर पॉइंट फाइव का आधा अब देखो ये दस है दस का आधा पांच इसका आधा टू पॉइंट फाइव यानी फाइव पॉइंट टू फाइव यानी पांच सही एक बटा चार पांच सही एक बटा चार तो आपका आंसर करेक्ट होगा ए नहीं होगा ए कैसे होगा ए कैसे होगा ये होगा ना सी पांच से एक बटा चार फाइव पॉइंट टू फाइव अरे क्यों गलत कर रहे हो तुम क्यों गलत कर रहे हो ऐसा सवाल यार ऐसा सवाल क्यों गलत कर रहे हो भाई बोलो अरे मजा आ रहा है समझ में आ रहा है एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए तो क्या सबको हमारी बात जान तक पहुंच रही है सब समझ रहे हैं बुद्धि बुद्धि मतलब बुद्धि में दिमाग बुद्धि में सवाल जा रहा है बोलो एक बार कमेंट करके बताओ बुद्धि में सवाल जा रहा है तुम्हारे बुद्धि में सवाल जा रहा है बोलो अरे नरेंद्र पटेल बताइए नरेंद्र अमित सत्यम बताओ भाई आकाश शिखा बताओ खुशी हिमांशु बताओ बताओ सभी लोग क्या सवाल समझ आ रहा है चलो ये बताओ देखो यार सुबह से बिना खाए पिए तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं सुबह से दिन रात मेहनत कर रहा हूं बस स्थिर जल में एक नाव की चाल पंद्रह किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल ये यानी ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू है बोला गया साठ किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने समय में जाएगी अब 60 किलोमीटर जाना धारा के साथ और इतना ही जाना धारा के विपरीत जब धारा के साथ जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 15 में पांच जोड़ दो 20, यानी जाने में लगेगा तुम्हारा तीन घंटा और धारा के विपरीत में जाएंगे तो घट जाएगा तो 15 में से पांच घटेगा 10, यानी छह घंटा तो कुल कितने घंटा लग गया नौ घंटा कुल लगेगा नौ घंटा यानी ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी 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 करेक्ट हो जाएगा बोलो क्या सबको मेरी बात समझ आई बोलो खुशी समझ में आ रहा है आपको हाँ गुरुदेव बुद्धि में दिमाग जा रहा है <laughs> बुद्धि में दिमाग जा रहा है मतलब मैंने बोल दिया बुद्धि में दिमाग जा रहा है तो ये भी बोला बुद्धि में दिमाग जा रहा है अरे बुद्धि में थोड़ा दिमाग जाएगा मतलब ये सवाल बुद्धि में जा रहा है कि नहीं बुद्धि में दिमाग जा रहा है हाँ <laughs> बोला बुद्धि में दिमाग जा रहा है चलो ये करो देखो ये कपिल आ गए कपिल धारा के विपरीत दिशा में ढाई घंटा ये ढाई घंटा दिख रहा कि नहीं दिख रहा ढाई घंटा नहीं ढाई किलोमीटर है कपिल धारा के विपरीत दिशा में ढाई किलोमीटर की दूरी पंद्रह मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में समान दूरी आठ मिनट में तय करता है धारा की चाल अच्छा धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो बोलो हम धारा की क्या पूछा गया है बोला गया धारा की दिशा में बोला गया धारा की चाल और धारा की चाल कैसे बताएंगे धारा की चाल कैसे बताएंगे वाई की वैल्यू यानी ई की वैल्यू बताने के लिए हमें एक्स प्लस वाई का और एक्स माइनस वाई दोनों की वैल्यू चाहिए तो ढाई किलोमीटर पंद्रह मिनट, मिनट में अगर ढाई किलोमीटर पंद्रह मिनट में अगर यह किलोमीटर मिनट में अगर ये किलोमीटर तो इसको घंटे में बदलने के लिए साठ से भाग देना पड़ेगा यानी ये कितना हो जाएगा दस किलोमीटर पर आवर टेन के धारा के समान दूरी आठ मिनट में ये ढाई किलोमीटर आपका आठ मिनट में आठ मिनट में तो चार से दो बार में चार से पंद्रह बार में चार से दो बार में चार से पंद्रह बार में इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे पांच बटे दो इसको लिख सकते पांच बटे दो यानी पचहत्तर बटे चार पचहत्तर बटे चार एक आपका डाउन स्ट्रीम है एक आपका अप आप स्ट्रीम है कोई एक इसमें से डाउन स्ट्रीम है कोई इनमें से एक अप स्ट्रीम है पूछा गया धारा की चाल बतानी है धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू तो धारा की चाल बताने के लिए क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस और आधा कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा पचहत्तर बटे चार माइनस दस तो यह पचहत्तर माइनस चालीस बटे चार और इसी का आधा कर देंगे यानी कि पैंतीस बटे आठ पैंतीस बटे आठ किलोमीटर पर यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सर जी कुछ मंगा दीजिए खिला दीजिए नहीं तो अगले संडे को नहीं आएंगे अच्छा हाँ हाँ खिला रहे हैं भाई मंगाए उनके लिए खिला रहे नहीं पता चलेगा अगले संडे को गोली दे देंगे भाग जाएंगे मंगा दिया बिल्कुल मंगा दिया अभी खिला रहा हैं उनको मंगा दिया अभी हम भी भूखे हैं हम भी खाएंगे वो भी खाएंगे चलो ये सवाल करो हाँ चलो ये देखिए एक स्टीमर और एक बोट एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी सात घंटे बीस मिनट और दस घंटे चालीस मिनट में तय करते हैं उनकी गतियों का अनुपात उनकी गति का अनुपात यानी मान लीजिए एक स्टीमर और एक बोट एक बंदरगाह और एक घाट के बीच एक आपका बंदरगाह और एक घाट के बीच किसी दूरी को सात एक दूरी को तय कर रहा है सात घंटे बीस मिनट में और दूसरी तय कर रहा है दस घंटे चालीस मिनट में तो सबसे पहले किसका नाम है स्टीमर का तो स्टीमर लिखो उसके बाद लिखो बोट स्टीमर बोट स्टीमर सात घंटे बीस मिनट में तो इसको मिनट में बदल दीजिए तो सात घंटे का मतलब 420 और 20 440 चार मिनट लेता है और ये 640 तो ये समय का अनुपात है यानी यहां से यहां पहुंचने में स्टीमर को सात घंटे बीस मिनट लगते हैं और बोट को दस घंटे चालीस मिनट क्योंकि स्टीमर फास्ट चलेगा बोट धीरे धीरे चलेगा यानी ये टाइम का रेशियो है और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होगा तो रेशियो बना लो चार से ग्यारह बार में और चार से सोलह बार में टाइम का रेशियो ग्यारह सोलह है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा सोलह रेशियो ग्यारह यानी ऑप्शन आपका करेक्ट ही हो जाएगा मेरे बच्चों अगर कभी भी ऑप्शन में अगर कभी भी ऑप्शन में ग्यारह सोलह भी आए अगर कभी भी ऑप्शन में सोलह ग्यारह और ग्यारह सोलह दोनों ऑप्शन दिया हो तो हमेशा बहुत केयरफुली से ऑप्शन मार्क करना है हमेशा केयरफुली से ऑप्शन मार्क करना नहीं तो सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं हमेशा बहुत केयरफुली से चलो ये बताओ ये बताइए हाँ ये बताइए ये बताइए वेरी गुड ये बताओ ये बताओ बोला गया कि एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है और एक दूरी को तय करने में आठ घंटे अड़तालीस मिनट का समय लेती है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है यानी एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है और एक दूरी को आठ घंटे अड़तालीस मिनट में तय करती है थोड़ा सा गलत है मैं सही कर दे रहा हूं अट मूविंग इन द अपस्ट्रीम टेक्स एट आर अड़तालीस मिनट टू कवर अ डिस्टेंस असल इट टेक्स फोर आवर टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट इन द द द द रेशियो ऑफ ऑफ स्पीड वोट टू स्ट्रीम इन स्टिल वॉटर बोला गया कि एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है और एक दूरी को तय करने में आठ घंटे अड़तालीस मिनट लेती है अब बोला गया है डाउन स्ट्रीम एक लाइन यहां छूट गया मैं एक लाइन छूट गया लिख लीजिए धारा की दिशा में मैं लिख देता हूं एक लाइन छूट गया है धारा की दिशा में वही दूरी चार घंटे में धारा की दिशा में वही दूरी चार घंटे में धारा की दिशा में वही दूरी चार घंटे में तय करती लिखा गया है इट टेक्स आवर टू टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट इन द डाउन स्ट्रीम बोलो यानी अब ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना एक बार ये लेती आठ घंटे अड़तालीस मिनट और एक बार लेती चार घंटे उसी डिस्टेंस को यानी उसी डिस्टेंस को आठ घंटे अड़तालीस मिनट में और उसी डिस्टेंस को चार घंटे में लेकिन जब आठ घंटे अड़तालीस मिनट कब लगे हैं जब धारा के विपरीत गए हैं और चार घंटे कब लगे हैं जब धारा की दिशा में गए हैं धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम तो चाहे डाउन स्ट्रीम लिखो चाहे एक्स प्लस वाई लिख लो अपस्ट्रीम लिखो चाहे एक्स माइनस वाई लिख लो दोनों बात एक ही है अब देखो इनके समय का रेशियो अब हर बच्चा जानता है बच्चा बच्चा जानता है कि कहां समय ज्यादा लगेगा समय कहां ज्यादा लगेगा जब डाउन स्ट्रीम में, में जाएंगे तब यहां यहां ज्यादा समय समय लगेगा यहां कम समय लगेगा कम तो आठ घंटे अड़तालीस मिनट अड़तालीस को अगर हम साठ से भाग दें तो ये चार बटे पांच यानी कि चौवालीस बटे पांच मिनट बोलो कहां समय ज्यादा लगेगा जब हम धारा के विपरीत में जाएंगे तो समय ज्यादा यहां समय कम लगेगा तो स्पीड का रेशियो क्या होगा जस्ट इसी का रिवर्स तो से कितनी बार में कट जाएगा टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो लेकिन कौन सी स्पीड एक्स की की वाई की नहीं मेरे बच्चों बोलो एक्स की वाई की नहीं ये है आपके एक्स माइनस वाई का अरे सॉरी ये गलत लिख दिया ये गलत लिख दिया पांच ग्यारह होगा ना ये टाइम का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे पांच ग्यारह देखो एक मिनट पूरा लिख देता हूं कोई बात नहीं मैं पूरा ही लिख देता हूं देखो पूरा लिख देता हूं ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पांच हो जाएगा इधर यान। ग्यारह यानी पांच रेशियो ग्यारह यानी अगर टाइम का रेशियो पांच ग्यारह है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा ग्यारह पांच लेकिन ये ग्यारह पांच किसका है ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई और हम जानते हैं कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है यानी कि आठ और दोनों को घटा के आधा करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है यानी कि तीन तो यानी x और y यानी शांत जल में नाव की चाल आठ और धारा की चाल यही तो पूछा गया शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल से अनुपात होगा एट रेशियो थ्री आर आरबी एन टीपीसी में सवाल पूछा गया है आर आरबी एन टीपीसी में कितने बच्चों ने इस सवाल का सही आंसर दिया एक बार कमेंट करके बताओ तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करो कितने बच्चों ने सही दिया है ऐसी कोई रानी नहीं जो यादव अच्छा ये करो ये सवाल करो ये सवाल करो सर जी गुड नाइट ठीक है गुड नाइट बाय ये बताओ बोला गया नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में समय का अनुपात प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल को क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम और अनुकूल को क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम समय क्या बोला गया है समय का अनुपात समय कहां ज्यादा लगता है यहां समय ज्यादा लगता है यहां समय कम तो स्पीड का रेशियो क्या होगा एक चार स्पीड का रेशियो क्या होगा बोलो एक चार लेकिन ये स्पीड कौन सी है स्पीड कौन सी है स्ट्रीम यह स्पीड कौन सी है डाउन स्ट्रीम यानी यह x- माइनस वाई की वैल्यू है यह x+ प्लस वाई की वैल्यू है और हमसे पूछा क्या गया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तो धारा के अनुकूल होगा चार ये धारा के अनुकूल चार और धारा के प्रतिकूल पांच वैसे भी मेरे बच्चों एक बात समझिए पूछा गया कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तो अनुकूल चाल हमेशा ज्यादा रहता है तो ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा और ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होगा होगा क्या चार रहे हम इस सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो सवाल को डायरेक्ट कर लेते क्योंकि हमें पता है कि धारा के अनुकूल चाल ज्यादा रहेगा हमेशा धारा के प्रतिकूल से बात समझ आ गया बोलिए क्लियर है चलिए ये बताइए एक तैराक स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर रहा है और यह देखते हुए कि प्रवाह की एक दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय का आधा है पानी का प्रवाह पानी की गति मतलब पानी की गति बताना है पानी की गति बताना है एक तैराक स्थिर पानी में नौ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख रहा है कि प्रवाह की दिशा में यानी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में उसे समय आधा लगता है तो यानी एक बार डाउनस्ट्रीम और एक बार अपस्ट्रीम और हर बच्चा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सबको पता है कि टाइम कहां ज्यादा लगता अपस्ट्रीम में दो लगेगा तो यहां उसका आधा लगेगा इसका मतलब स्पीड क्या है जस्ट इसी का रिवर्स डाउन स्ट्रीम में स्पीड दो है तो अप स्ट्रीम में स्पीड एक है लेकिन ये किसकी वैल्यू है एक्स की वाई की नहीं ये एक्स प्लस वाई ये किसकी वैल्यू है एक्स की वाई की नहीं एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो वन पॉइंट फाइव आधा करेंगे तो y की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा के आधा करिए दो में से एक जाएगा एक और एक का आधा जीरो पॉइंट फाइव लेकिन ये पूरा का पूरा रेशियो है कोई रियल नहीं है अब रियल यहां पे है स्थिर पानी में नौ है यानी इसकी वैल्यू नौ है कितने गुना है छह गुना इसका मतलब इसका भी गुना होगा यानी किलोमीटर पर आवर तो धारा की जो चाल है वो किलोमीटर पर होगा देखिए एनटीपीसी में कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी में कितने अच्छे अच्छे सवाल गजब गजब सवाल पूछे गए शानदार शानदार सवाल पूछेंगे सभी लोगों ने सेशन को शेयर किया कि नहीं लाइक किया कि नहीं आप लोगों ने लाइक किया सभी लोगों ने लाइक किया कि नहीं बोलिए कम से कम लाइक तीन सौ के पार तो कर दो आप चलो ये करो चलो ये बताओ ये करो करिए सवाल को सर यूपीपी की ऑफलाइन बैच कब से चलेगी चौदह तारीख से चल रही है चौदह मार्च से आफ्टर होली चलो ये करो लास्ट में भी सारी जानकारी देंगे लास्ट में तुमको सारी जानकारी हम दे देंगे ठीक है चलो सर चौदह नवंबर दोबारा बता दो इग्नोर मत करो क्या चौदह नवंबर क्या चौदह नवंबर चौदह नंबर क्या चौदह नंबर दोबारा क्या है बाबू चौदह में चौदह में क्या है बाबू बोला गया है बोला गया कि यहां चौवालीस बटे पांच घंटे लगते, लगते हैं या चार घंटे लगते हैं रेशियो हमने बना लिया टाइम का रेशियो ये तो यह स्पीड का रेशियो लेकिन ये कौन सा डाउन स्ट्रीम ये कौन सा अप स्ट्रीम अगर हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा वाई की वैल्यू चाहिए दोनों को घटा के आधा बस इसमें क्या बताना बता दिया रिपीट कर दिया चलिए ये सवाल करिए शांत जल में एक नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा जाने में चार गुना लगता है यानी यहां लिखो डाउन स्ट्रीम यहां लिखो अपस्ट्रीम अब कितना गुना चार गुना तो सबको पता है समय यहां ज्यादा लगेगा सबको पता है कि समय यहां अपस्ट्रीम में ज्यादा लगता है तो स्पीड इस जस्ट इसी का रिवर्स होगा क्या होगा चार एक लेकिन ये x की स्पीड नहीं है ये x प्लस वाई है क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब x वाई अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई क्या बोला गया है अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा यानी चार और एक पांच पांच का आधा कितना होगा ढाई और वाई की वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटाना पड़ेगा तीन का आधा डेढ़ यानी अगर इनका भी रेशियो बना लो तो क्या हो जाएगा पांच रेशियो तीन अगर कोई हमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ लेता अगर कोई सिर्फ हमसे इतनी सी बात पूछ लेता फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड द स्ट्रीम अगर कोई बोलता शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा तो हम बोलते पांच रेशियो तीन पांच रेशियो तीन फाइव रेशियो तीन फाइव रेशियो तीन लेकिन ये दिया गया शांत जल में छ है यानी बारह गुना यानी वन पॉइंट टू गुना तो इसका वन पॉइंट टू गुना कर दो इसका वन पॉइंट टू गुना क्या हो जाएगा यानी कि थ्री पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर तीन दशमलव छह यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा चलिए बताइए सबको समझ आया किसी को कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत परेशानी सबको क्लियर एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करो है ना अभी कम से कम दो ढाई घंटे तीन घंटे तो पढ़ाई जाएगा चलो इस सवाल को करो ये बताओ ये बताओ करो इस सवाल को <laughs> सर जय हिंद जय हिंद भाई जय हिंद इंडिविजुअल बैच कब से चलेगा मैथ का चलेगा ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन भी चलेगा अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाते रहा हूं पढ़िए ना क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं चलिए आइए देखिए बोला गया शांत जल में एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा सेम वही सवाल है शांत जल में एक दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने की तुलना में अधिक समय लगता है देखो समय पूछा गया है यानी पहले शांत जल की बात की गई है और उसके बाद धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई अनुकूल अब जरा हमें बताओ समय कहां कम लगेगा कहां ज्यादा लगेगा बोला गया कि 33 सही एक बटे तीन परसेंट समय अधिक लगता है कहां समय अधिक लगेगा जरा बताओ इसका मतलब होगा एक बटे तीन यानी एक को तीन लगेगा तो एक को चार हमें पता है कि यहां समय लगेगा कम और यहां समय लगेगा ज्यादा बोलो सही है ना अरे भाई यहां धीरे धीरे जाएंगे तो चार घंटे लगेगा या धारा भी सपोर्ट कर रही है तो तीन ही घंटे में पहुंच जाएंगे तीन ही घंटे में पहुंच जाएंगे ये सिर्फ रेशियो है इसका मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट इसी का उल्टा यानी ये तीन है ये चार है यानी ये तीन क्या है शांत जल में नाव की चाल देखो ये शांत जल में नाव की चाल दिया है ये लिखा हुआ है शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में और ये किसकी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो ये एक्स की वैल्यू तीन है ये चार है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी एक अगर कोई पूछे शांत जल में नाव की चाल तीन यूनिट कोई पूछे धारा की चाल एक यूनिट कोई पूछे धारा की दिशा में नाव की चाल चार यूनिट कोई बोले धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी एक्स माइनस वाई तो तीन में से घटाएंगे दो बोलेंगे क्या बोला गया है शांत जल में एक नाव की चाल 25 है और शांत जल में कितना तीन तो तीन की वैल्यू है 25 तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 बटे तीन और किसका पूछा गया है नाव को धारा के अनुकूल अच्छा धारा के अनुकूल जाना है धारा के अनुकूल अब देखो एक यूनिट की वैल्यू ये है तो धारा के अनुकूल आपकी चाल ये होगी यानी सौ बटे यानी हो जाएगा धारा के अनुकूल 100 बटे तीन किलोमीटर पर आवर और कितनी दूरी जानी है पचहत्तर तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल ये क्या आपकी दूरी ये आपकी दूरी है ये दूरी है ये चाल है तीन पलट के कहां जाएगा तीन पलट के चला जाएगा ऊपर तीन प्लट के कहा चला जाएगा ऊपर पच्चीस दिया पचहत्तर पच्चीस सौ को सौ और नौ को चार से भाग दोगे तो टू पॉइंट टू फाइव आर दो दशमलव दो पांच घंटे दो दशमलव दो पांच घंटे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसलिए कमेंट्स कर रहे हैं चलिए सबको समझ आया कि नहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं है सबको समझ आ रहा है चलो ये करो क्वेश्चन नंबर उन्नीस कर लो सबसे ज्यादा चलिए जो फालतू का इसमें कमेंट करे उसको ब्लॉक कर दीजिए ठीक है जो भी इसमें फालतू का कमेंट करे उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए ठीक चलिए ये देखिए एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी में समय का दोगुना है यानी क्या दिया है यहां दिया प्रतिकूल और यहां दिया अनुकूल यानी कि प्रतिकूल यानी एक आप लिख लो डाउन स्ट्रीम और एक लिख लो आप अप अपस्ट्रीम और टाइम दिया गया टाइम क्या है दोगुना अब समय दोगुना कहां लगेगा जब अप्रीम में जाएंगे यानी स्पीड का रेशियो क्या होगा जस्ट इसी का रिवर्स लेकिन मेरे बच्चों ये स्पीड किसकी है ये जो स्पीड है ना ये स्पीड x प्लस वाई है यह स्पीड x माइनस वाई है क्या बोला गया है यदि धारा की गति तीन हो अगर हमको x की वैल्यू चाहिए यानी शांत जल में नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और हमें y यानी धारा की चाल चाहिए तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे क्लियर यदि धारा की गति तीन है यानी इसकी गति तीन है छह गुना तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी नौ किलोमीटर पर आर अगर कोई पूछता शांत जल में नाव की चाल हम बोलते छ बोला गया नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल बावन किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बावन किलोमीटर कहां जाना है धारा के प्रतिकूल तो धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो घटेगा छ तो दो से कटेगा छब्बीस बार में दो से कटेगा तीन बार में यानी आठ सही दो बटे घंटे का वक्त लगेगा आठ सही दो बटे यानी ऑप्शन नंबर डी ssc सिलेक्शन फेज 9 2022 का सवाल है चलिए तो जो भी बच्चा फालतू कमेंट करेंगे हम उनको ब्लॉक करवा देंगे जो भी बच्चा फालतू कमेंट करेंगे उसके पहले हम उनको ब्लॉक करवा देंगे ठीक है ना हाँ फिर मत कहना कि सर ब्लॉक करवा दिए सर ब्लॉक करवा दिए फिर रोना फिर रोना मत तुम लोग चलो ये करो फिर रोने लगते हो तुम ये करो एसएससी एमटीएस में पूछा गया खुशी वैभव कनक आकाश विपिन सभी को गुड नाइट मैं जा रहा हूं ठीक है चलिए याद रखना जो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं क्या लिख रहे हैं अगर गर्ल्स नहीं क्या लिख रहे हैं बात करती तो लड़के लोग बात नहीं करते इनको ब्लॉक कर दिए जय श्री राम को ब्लॉक करिए तो कौन था ये चलिए अभी आपसे देखते रहिए ध्यान देते रहिए जो भी कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दीजिए चलिए ये देखिए एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में पांच मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है और वह धारा के अनुकूल उच्च, उच्च, उच्च और निम्न ज्वार ये देखो बहुत तगड़ा सवाल है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार बोला गया वह धारा के अनुकूल वह धारा के अनुकूल तो जाता है वह धारा के अनुकूल उच्च और निम्न ज्वार उच्च और निम्न ज्वार 200 मीटर का एक पड़ाव 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार करता है उच्च और निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल बतानी है चाल बतानी है देखो जैसे एक आदमी जा रहा है तो धारा के अनुकूल जा रहा है धारा के अनुकूल जा रहा है धारा के अनुकूल नदी में एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में पांच मीटर प्रति सेकंड की गति से चला रहा है और धारा के अनुकूल एक आपका उच्च ज्वार एक बहुत तेजी से ना मतलब धारा बह रही है और एक धीरे धीरे बह रही है और बोला गया यहां दो सौ मीटर का एक पड़ाव पार करता है मतलब दो दो सौ मीटर का एक दस सेकंड में एक पच्चीस सेकंड में अब देखो दो सौ मीटर का जब पहला पड़ाव पार किया तो उसको 10 सेकेंड लगे यानी यहां उसकी चाल कितनी रही 25 मीटर प्रति सेकेंड धारा की दिशा में है लेकिन और दूसरा जब उसने पार किया नहीं पहला सॉरी पहला दस सेकंड हां ठीक है दूसरा पच्चीस सेकेंड में यानी यहां चाल क्या रही यहां रही पच्चीस वटे दो सौ आठ मीटर प्रति सेकेंड आठ मीटर प्रति सेकेंड अच्छा ये बीस होगा आठ मीटर प्रति सेकंड, आठ मीटर प्रति सेकंड ध्यान से सुनना लेकिन ये क्या है ये डाउनस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है यानी ये भी डाउन है ये भी डाउन है और स्थिर जल में चाल पांच है अब एक बात बताओ यहां बीस जोड़ने के बाद है यहां बीस क्या जोड़ने के बाद और शांत जल में पांच है तो बीस में से पांच घटाएंगे तो यहां क्या होगा पंद्रह यहां आठ है और पांच घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तीन यानी यहां पे जो नदी बह रही थी यहां पे जो नदी बह रही थी उसकी चाल पंद्रह मीटर प्रति सेकंड है और जो यहां पे नदी बह रही थी उसकी चाल तीन मीटर प्रति सेकंड है यानी उच्च ज्वार उच्च ज्वार का मतलब तेजी से बहने वाला और निम्न ज्वार का मतलब धीरे धीरे बहने वाला तो रेशियो क्या हो जाएगा फाइव रेशियो वन फाइव रेशियो वन फाइव रेशियो वन तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी वाला चलिए ये सवाल करिए ssc cgl में सवाल ये पूछा गया करिए सभी लोग ssc cgl में सवाल ये पूछा गया करें सभी बच्चे हाँ वेरी गुड एक बार सेशन को शेयर करिए सभी लोग वैभव सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है हाँ बिल्कुल आ, हाँ हाय सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय डियर चलिए कनक खुशी वैभव हिमांशु योग सौम्या ठीक है अरे समझ में आ रहा तुम लोगों को देखो बोला गया धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को लगने वाला समय धारा के प्रतिकूल सात किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय के बराबर है यदि धारा की चाल तीन किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में इसे इतनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा प्री का सवाल और देखो कितना बेहतर सवाल है बताओ कितना बेहतर सवाल है अब देखो दिया गया धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर गया है और धारा के प्रतिकूल सात किलोमीटर पहले ध्यान से सुनना बोला गया कि धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर सर समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं बेटा आपको समझ में नहीं आएगा आपको भूमिजा बाबू आपको समझ नहीं आएगा इस समझने के लिए पहले कंसंट्रेट होना पड़ता है इतनी आसानी से चीजें नहीं आ जाती ये दाल चावल थोड़ा ना आया और निकल गए इसके लिए बहुत शिद्दत करना पड़ता है शुरू से आना पड़ता है आप अभी आए हैं तो ऐसे कैसे हो पाएगा जब वीडियो खत्म होगी तो बाद में देखिएगा ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि जब भी आएंगे तुरंत खत्म हो जाएगा ये दाल चावल थोड़ा ना है कि अंधेरे में भी ऐसे ऐसे लपेटा और ऐसे खा के मुंह में जाएगा ऐसा नहीं है इसके लिए शिद्दत लगाना पड़ता चलो धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर की दूरी तय करने में एक बाकी ये इतने बच्चे समझ रहे हैं ये क्या सारे नहीं समझ में आ रहा है इन सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो जरा आप अपना लेवल देखिए कि आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है जरा चेक करिए अपना लेवल धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाव को लगने वाला समय धारा के प्रतिकूल सात किलोमीटर की दूरी तय करने वाले समय के बराबर यानी समय बराबर है यानी अगर हम धारा के अनुकूल तेरह किलोमीटर जाए तो उतना ही समय लगेगा कि किलोमीटर यानी समय बराबर है और अगर समय बराबर है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता वही स्पीड का रेशियो होता अब यही नहीं पता चलेगा मैंने क्या बोला कि जब समय बराबर होगा यानी स्पीड बराबर क्या होगा मैंने क्या लिखा डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम और जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होंगे यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा यानी यहां लिखो डाउन स्ट्रीम यहां लिखो अपस्ट्रीम तो यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा यानी आप जानते हैं ज्यादा होगा यहां कम तो क्या बोला गया है क्या सही है यानी डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड तेरह है और अप स्ट्रीम उसकी स्पीड सात है क्लियर लेकिन मेरे बच्चों ये किसकी x प्लस वाई की वैल्यू है एक्स माइनस वाई की वैल्यू है अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा और वाई की वैल्यू चाहिए दोनों को घटा के आधा तो तेरह में से सात छीन यदि धारा की चाल तीन है अच्छा तीन की वैल्यू रियल में तीन है तो इसका मतलब दस की वैल्यू रियल में दस ही होगी दस में होगी तो बोला गया स्थिर जल में इसे इतना किलोमीटर जाना स्थिर जल में इतना दूर जाना है स्थिर जल में तो स्थिर जल वाली चाल लीजिए यानी कि दस यानी कि चार दसमलव चार आठ घंटे यानी अगर इसको सॉल्व करोगे चार सही अड़तालीस बटा सौ या फिर चार सही बारह बटे पच्चीस घंटे अड़तालीस बटे सौ या बारह बटे पच्चीस तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा सीजल प्री में पूछा गया राजेश सर का मैथ और तो रवि सर की रीजनिंग की बात ही अलग है कोई संदेश में ठीक है ये बागेश्वर वाले कौन है जो ऐसे बोल रहे हैं सर बागेश्वर धाम का नाम की आईडी कमेंट देखिए ठीक है।, है कोई बात नहीं हो सकता बागेश्वर बाबा भी आ गए हमारी क्लास में पढ़ने है ना उनको भी बहुत पैसा कमा रहे हैं तो उनको भी हो सकता है जरूरत हो गई हो पैसे के हिसाब किताब करने के लिए पता चले कहीं नाव में जाए कहीं नदी में जाए तो उनको पता तो होना चाहिए नाव धारा कैसे चलेगा पता चले नाव डूब रही हो तो तुरंत बच तो जाएंगे खटाक से तुरंत बच के निकल जाएंगे यू ऐसे सर पढ़ाई करते समय मन भटकता है कैसे क्या करें पढ़ाई करते समय मन भटकता है मन क्यों भटके तेरी ओर बार बार तो ये मन नहीं भटकाना है बेटा मन भटकाना ही नहीं मन क्यों भटक रहा है अपने गोल को सेट करो उसको अचीव करो है ना मन तो भटकाना ही नहीं है सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी लग्जरी नाव से चार घंटे इतने मिनट में और नदी के विपरीत इतना किलोमीटर इतने घंटे में वर्तमान नदी के प्रवाह की गति ये तो बता सकते हो तुम यानी आपको y की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बताने के लिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू x x की वैल्यू चाहिए तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए पढ़ाई करते समय मन भटकता बेटा अगर कभी मन भटके ना तो अपने माता पिता के स्थिति इस्ति, को याद करना कभी मन भटके ना तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना कभी मन भटके ना तो अपनी सिस्टर के बारे में सोचना कभी मन भटके ना तो कुछ भी सोचना सोचना जरा कि तुम किस लिए आए हो किस लिए मेहनत कर रहे हो तुम्हारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बेटा आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेहनत करना मन नहीं भटकाना मन कैसे भटक सकता है यार मन तो भटक नहीं सकता है मन मत भटकाओ मन को नहीं भटका सकते हम क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है जिम्मेदारियां बड़ी हैं काम बड़ा है तो मन नहीं भटक सकता मेरा ठीक है चलो ये करो चौंतीस किलोमीटर जाता है चार घंटे पंद्रह मिनट में तो चार घंटे पंद्रह मिनट का मतलब हुआ पंद्रह मिनट का मतलब हुआ पंद्रह बटे साठ क्या कह रहे हैं आप हाँ यानी कि सत्रह बटे चार घंटे में यानी चौतीस किलोमीटर वो गया है सत्रह बटे चार घंटे में हमारे टेक्निक चार पलट के ऊपर जाएगा हमारे टेक्निकल महोदय भी हमारे साथ लगे रहते हैं क्या करें बेचारे सोच रहे होंगे राजेश सर तो अपने साथ हमको भी घसीट रहे हैं चलिए कोई बात नहीं 19 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे दस मिनट में 19 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे दस मिनट में तीन घंटे दस मिनट का मतलब क्या हुआ एक बटे तो उन्नीस बटा छीस बटा छह पलट के ऊपर जाएगा ये छह आ गया नदी के प्रवाह की गति यानी धारा की चाल अंतर आधा इसके दोनों को घटा के आधा कर दो तो यानी एक किलोमीटर पर आवर एक किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट है चलो ऑप्शन सी करेक्ट है ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट कर है ठीक है सर कुछ अपडेट क्वेश्चन बताइए कराइए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा ये सारा सवाल कहां से आया है ये सवाल कहां आया मेरे घर से सवाल बना है ये सवाल मैंने घर से बनाया है यह सवाल मेरा घर से है टैग डाल रखा हो देख लीजिए ये सवाल मैंने घर से बनाया बाबू मेंस का सवाल है ये घर से सवाल है आपको पढ़ना तो है नहीं आपको पढ़ना लिखना तो है नहीं आप दूसरों में कमियां निकालते फिरोगे आप दूसरों में कमियां निकालते फिरोगे बेटा पहले अपनी कमी देखो हाँ इसका मतलब तुम पता चल गया झूठे सर इसका मतलब तुम पता चल गया बेटे हमारे तुम किसी दूसरी कोचिंग से आए हो इसका मतलब पता चल गया कि तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो चलो कोई बात नहीं क्रिटिसाइज कर लो तुम खुश रहो बस क्रिटिसाइज कर लो तुम खुश रहो क्योंकि अब हमें पता है है कि तुम क्रिटिसाइज करने आए हो हो और सकता कोई टीचर ही कराए हो सकता है कोई टीचर ही दूसरी आईडी बना के कर रहा हो और हमें पता है तू कमेंट कर रहे हो करते रहो करो करो और कर लो खुश रहो बस सर आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है नहीं भाई एक लोगों को खराब लग रहा अरे कोई टीचर ही होगा बहुत सारे टीचर आजकल हमसे खफा रहते हैं ठीक है बहुत सारे टीचर चलिए कोई बात नहीं <laughs> चलो ये करो आओ देखो एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेता है और धारा के अनुकूल वही दूरी 10 घंटे में तो धारा का वेग क्या होगा धारा का वेग 100 सो किलोमीटर 16 घंटे में तो 100 किलोमीटर अगर 16 घंटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा पच्चीस बटे चार यानी कि हम लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट टू फाइव किलोमीटर पर आवर ये लिख सकते हैं और सौ किलोमीटर दस घंटे में दस घंटे में यानी यहां से क्या हो जाएगा टेन किलोमीटर पर आवर बेचारे अरे क्यों ब्लॉक कर दिया ऐसे लोगों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए कम से कम हमारे कोई दूसरे अध्यापक होंगे बेचारे वो कमेंट कर रहे होंगे ये कोई बच्चा थोड़ा ना है जो झूठा बोलेगा हमें इतनी शिद्दत से पढ़ा हो कि बच्चा थोड़ा नहीं झूठा बोलेगा अरे कोई टीचर थे हमारे बेचारे देख रहे होंगे झूठा बोल रहे होंगे आपने ब्लॉक कर दिया अनब्लॉक कर दीजिए तो चार बार और बोल लीजिए आपके दिल को राहत मिले <laughs> चलिए धारा का वेग बताना है तो धारा के वेग यानी वाई की वैल्यू वाई ये देखो ये एक्स माइनस वाई है ये एक्स प्लस वाई है और हमें वाई की वैल्यू चाहिए यानी धारा की दिशा में धारा की चाल हमें क्या चाहिए धारा की चाल तो धारा की चाल यानी इन दोनों के अंतर का आधा तो दस में से छह जाएगा चार और चार में से जाएगा यानी कि थ्री पॉइंट सेवन फाइव इन दोनों का आधा यानी अगर ये चार होता तब दो होता यानी दो से भी कम तो दो से कम एक ही ऑप्शन है भाई अगर ये चार होता तब ना दो होता ये तो दो से भी कम आएगा यानी 1.875 किलोमीटर पर चलिए चलिए भाई ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे सही बोला आपने हाँ ऊंचाइयों को देखकर परेशान है बहुत लोग पर किसी ने मेरे ऊंचाइयों के मेरे पैरों के छाले नहीं देखे सही कह रहा बिल्कुल अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कितनी सिद्धत से बेटा अगर मैंने मेंस में 200 में 200 किया है 218 किया तो ऐसे तुरंत कर दिया होगा यार उतनी सिद्धत की है मैंने उतना रिसर्च किया उतना वर्क किया है चलो आओ ये बताओ आओ ये बताओ मैं नहीं बोलता हूं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा मैं बस मेहनत से आपको सिद्धत से पढ़ाऊंगा बोला गया कि शांत जल में एक व्यक्ति की गति ये वह धारा के प्रतिकूल तीन गुना समय लेता है अनुकूल यानी तीन गुना तो ये डाउन स्ट्रीम है अच्छा तीन गुना समय कहां लगेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम में तो समय ही नहीं लगता टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो ये किसकी वैल्यू है एक्स ये किसकी वैल्यू अगर कोई दो तो इन दोनों को जोड़ के आधा की वैल्यू बता दो तो इन दो बोला गया शांत जल में यानी दो यूनिट की शांत जल में यानी की वैल्यू को जोड़ के आधा आधा दो और शांत जल में कोई आधा नहीं एक अट्ठाईस इसकी वैल्यू यानी एक, दो दो यानी एक, यानि एक यूनिट की वैल्यू ये है तो एक अट्ठाईस तो क्या भट्टीटर पर आर तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर पर आर चलिए हाँ वेरी गुड वेरी आवाज आ रहा है आवाज आ रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर ये करते हैं हम लोग सबको समझ आया किसी को कोई दिक्कत नहीं है चौदह बटे तीन आ जाएगा चलो ये करो आओ इस सवाल को करो क्वेश्चन नंबर पच्चीस क्वेश्चन नंबर पच्चीस हाँ माइक को पनीर खिला दीजिए <laughs> हैं सुबह से खाना नहीं खाया है और आके बोल रहे कॉमेंट में सर ये सवाल आता अरे ये सवाल आया ही हो तो मैं घर से लाया हूं सवाल बोलो क्या यार कुछ तो रहम करो जान दे दू तब मानोगे क्या या जान ही ले लो आओ ले लो जान ले लो एक नन्ही सी जान है इसको भी तुम नहीं छोड़ना चाहते हो क्या करें एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में बारह घंटे लगते हैं और वापस लौटने में चौबीस घंटे लगते हैं शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा देखो देखो यानी ये कोई दूरी है और अगर उसको हम अनुकूल जाएं धारा की दिशा में अगर हम उसको अनुकूल जाएं तो 12 घंटे लगेंगे और प्रतिकूल जाएं तो 24 घंटे लगेंगे यानी ये कोई दूरी है अगर इसको हम डाउन स्ट्रीम में जाएं तो 12 घंटे में पहुंच जाएंगे और अप स्ट्रीम में आए तो 24 घंटे में पहुंच जाएंगे देखो सभी लोग ध्यान से सुनो यानी अगर हम 12 घंटे में पहुंच जाएंगे और अगर अप स्ट्रीम में जाएं तो कितने घंटे पहुंच जाएंगे 24 घंटे पहुंच जाएंगे कोई दूरी अपनी मर्जी से मान लो हम कोई दूरी अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि जो 12 चौबीस सेकंड है मैंने मान लिया 24 किलोमीटर पर परहार हमने मान लिया 24 किलोमीटर पर परार क्लियर कोई दिक्कत नहीं है सॉरी चौबीस हैं चौबीस किलोमीटर मैंने ये दूरी मान ली कि चौबीस किलोमीटर है मैंने मान लिया कि पॉइंट यहां से चौबीस है और धारा की दिशा में जाएंगे तो बारह घंटे धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चौबीस घंटे अब जरा सोचो तो अगर 24 किलोमीटर 12 घंटे में जाएंगे तो स्पीड कितनी है दो किलोमीटर पर आवर यानी ये x की वैल्यू है और अगर 24 किलोमीटर 24 मिनट में जाएंगे धारा की उल्टी दिशा में तो जाएगा किलोमीटर पर आवर लेकिन बोला गया शांत जल में ये अगर दूरी जाए तो कितना लगेगा अब ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई की वैल्यू है दोनों को जोड़ के आधा कर दो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो दो और एक तीन तीन का आधा वन पॉइंट फाइव शांत जल में यानी कितना हो जाएगा सोलह घंटे में तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा सोलह घंटे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं एक तरीका समझो एक दूसरा तरीका इसको डायरेक्ट शॉर्टकट करने का डायरेक्ट शॉर्टकट करने, करने का देखो डायरेक्ट तरीका देखो डायरेक्ट तरीका देखो अगर एक नाव किसी दूरी को डाउन स्ट्रीम में जाए तो टीवन घंटे लगे अगर डाउन स्ट्रीम में जाए तो T1 घंटे लगे और अप स्ट्रीम में जाए तो T2 घंटे लगे और बोला जाए कि स्टील वाटर में जाए यानी कि शांत जल में जाए तो कितना समय लगेगा यही तो पूछा गया है बोला गया कि डाउन स्ट्रीम में जाए तो T1 घंटे लगे अप स्ट्रीम में जाए तो T2 घंटे लगे और स्टील वाटर में जाए तो कितना समय लगेगा यही पूछा गया है तो हमेशा डायरेक्ट तरीका लिख लो टू टी वन इंटू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू बस खत्म डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे दो जाने में लगा बारह घंटे स्ट्रीम में लगेगा 24 घंटे और 24 बारह जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 36 बारह से कट जाएगा तीन बार में और तीन से कट जाएगा आठ बार में आठ दो सोलह सोलह घंटे डायरेक्ट बता देंगे सोलह घंटे तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोलो ये डायरेक्ट फॉर्मुला आप नोट कर लेना अभी इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भिजवा देंगे चलो अगला सवाल करो क्वेश्चन नंबर छब्बीस क्वेश्चन नंबर 26 करिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी संदेश हमारा है हम उसके प्रति कुछ भी नहीं बोलेंगे ये बर्दाश्त है ठीक है कोई बात नहीं बोलने दीजिए ठीक है चलिए बताइए सभी बच्चे बताएं सवाल का उत्तर बताएं सभी बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर आपके पास ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स आओ ये सवाल करते हैं एक नाव मिनट में तीन किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और पांच किलोमीटर धारा के अनुकूल जा, जा सकती है बहुत तगड़ा सवाल है है देखो एक नाव मिनट मिनट में में किलोमीटर धारा धारा के के प्रतिकूल और अनुकूल जा सकती या एक घंटे पच्चीस मिनट में चार किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और नौ किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी जाने में से कितना समय लगेगा ये सवाल आपको बताना है अच्छा रुको इसके पहले मैं देखू एक सेकेंड रुक जाओ छब्बीस है ना ये चलो छब्बीस छोड़ो पहले ये करो पहले ये करो छब्बीस अभी रुक के कराएंगे छब्बीस कराएंगे याद दिलाना छब्बीस कराएंगे चलो ये देखो बोला गया कि रुके हुए पानी में जो नाव की चाल है वो बीस किलोमीटर पर आवर यानी कि ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर यानी द स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर बोला गया नाव धारा के दिशा में तीन सौ चौसठ किलोमीटर की यात्रा करती है और विपरीत दिशा में आती है और कुल चालीस घंटे लगते हैं यानी 340 सौ चालीस चौसठ किलोमीटर जाती और फिर इतनी ही दूरी आती है और कुल कितना समय लगा 40 घंटा तो पूछा गया धारा की गति क्या होगी धारा की गति धारा की गति क्या होगा देखो देखो भाई सभी लोग ध्यान से सुनो 360 किलोमीटर गया है धारा की दिशा में तो ये शांत जल में नाव की चाल है धारा की चाल वाई होगी तो धारा की चाल पूछा गया तो मैंने मान लिया कि जाएगा बीस प्लस वाई से और ये अच्छा सॉरी तीन सौ चौसठ है ये तीन सौ चौसठ तीन सौ चौसठ और यही तीन सौ चौसठ यही तीन सौ चौसठ आएगा किससे बीस माइनस वाई से और कुल कितने घंटे लगे चालीस घंटे कुल कितने घंटे लगे चालीस घंटे लगे यही बात है y की वैल्यू बतानी है y की वैल्यू बतानी है ये तरीका है अब आप जानते हो एक तो इसको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना सकते हो एक तो, तो तुम इसको द्विघात समीकरण बना सकते हो क्लियर है ना एक तो द्विघात समीकरण बना सकते हो इसको मतलब बेसिक बेसिक से से कहने का मतलब सॉल्व करना बेसिक बेसिक से से अगर सॉल्व करो तो बार बार में बार में और चार से दस बार में अगर हम इक्यानवे कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा आपका बीस माइनस वाई बीस प्लस वाई वाई से वाई कट जाएगा चालीस और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दस दस से कट जाएगा चार बार में गुणा करोगे तीन सौ चौसठ यानी चार सौ माइनस तीन सौ चौसठ बराबर Y2, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी छत्तीस तो वाई की वैल्यू हो जाएगी छह वाई की वैल्यू हो जाएगी यानी धारा की चाल छ किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल छ किलोमीटर प्रति घंटा एक तो तरीका यह था एक तो तरीका ये था एक तरीका यह था हम कर लेंगे हालांकि यह भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है दूसरा तरीका देखिए एक तो तरीका अपने पास ये रहा दूसरा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो देखो वैल्यू पुट करने का तरीका कई तरीके से सवाल कर सकते सवाल को करने के कई तरीके देखो एक इसी सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते हैं आप बीस प्लस वाई और तीन सौ चौसठ बीस माइनस वाई कुल कितना घंटा लगा चालीस घंटा लगा हमें वाई की वैल्यू चाहिए हमें वाई की वैल्यू चाहिए मेरे बच्चे और y की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं यानी y की वैल्यू हमने सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया लेकिन यह भी सोचना है कि क्या यह डायरेक्ट ऑप्शन से हो सकता है हमें एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है हमें यहां से एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो कि 20 में जोड़ने के बाद भी काटे और 20 में घटाने के बाद भी काटे क्योंकि यहां जो नंबर है वो इंटीजर है यहां नंबर अगर इंटीजर है तो यहां से भी इंटीजर वैल्यू आनी है यहां से भी इंटीजर वैल्यू आनी है और दोनों इंटीजर इंटीजर जोड़ के इंटीजर आएगा यानी हमें एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो जोड़ने के बाद भी तीन थी को काटे घटाने के बाद भी काटे अब देखो हो सकता मैं दस रखू तो आप देखोगे जब बीस में दस जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा तीस तीस में प्राइम नंबर है तीन लेकिन तीन से नहीं कटेगा देखो तीन से नहीं कटेगा इसका मतलब ये नहीं होगा बात समझ आया दूसरा देखो अगर मैं रखता हूं आठ अगर मैं रखता हूं आठ तो बीस में आठ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस अट्ठाईस में प्राइम नंबर है सात सात और सात से यह कटेगा हाँ सात पछे पैंतीस ये कटेगा तो ये हो सकता है अगर बीस में आठ जोड़े तो कितना हो जाएगा बारह 20 में आठ जोड़ू तो कितना हो जाएगा 12 अब देखो 12 में तीन है लेकिन यहां तीन नहीं यानी यहां से बात नहीं बनेगी आगे देखो ऐसे चेक करना है अगर मैं रखू चार तो बीस और चार चौबीस और बीस में से चार गया तो सोलह हाँ ये हो सकता है सोलह दूना बत्तीस चार नहीं कटेगा अब देखो सोलह तो सोलह दूना बत्तीस चार चौवालीस नहीं कटेगा यानी ये भी नहीं कट रहा है इंटीजर कटना चाहिए जब भी देखेंगे इंटीजर कटना चाहिए अगर हम रखें तो बीस और छह छब्बीस अब देखो ये 26 है यहां एक प्राइम नंबर है तेरह छब्बीस में एक प्राइम नंबर तेरह है अगर नीचे तेरह तो ऊपर तेरह होना मस्ट है अब देखो तेरह दुना छब्बीस दस एक सौ चार तेरह वट एक सौ चार मतलब छब्बीस और तेरह दुना छब्बीस दस एक सौ चार तेरह वट एक सौ चार और दो से कटेगा चौदह घंटा यहां इंटीजर ही आना चाहिए क्योंकि क्या इंटीजर है बीस में से छह घटाएंगे तो चौदह यानी सात दुना चौदह सात पचे पैंतीस सात दुना चौदह और दो से कटेगा छब्बीस बार में तो छब्बीस चौदह जोड़ेंगे चालीस आ गया इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है बोलो हाँ ना अरे समझ आया कि नहीं एक बार बोलिए भाई अरे क्लियर है सारे बच्चों को संतेश कोचिंग के खिलाफ और सर के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे ठीक है भाई बढ़िया चलिए आप लोगों का प्यार ही चलिए ये सवाल देखिए आर आर बी एन टीपीसी में आया लेकिन कितना बढ़िया सवाल है तो किसी भी एग्जाम का सवाल अगर अच्छा है तो मैंने उसको लिया है अभी सवाल को करें देखते कितने बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट करिए सभी लोग अब ये सवाल देखो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया बट है बहुत अच्छा सवाल इस सवाल को मेंस में पूछना चाहिए लेकिन एनटीपीसी में मैंने देखे कि एसएससी जीडी में कई कई ऐसा सवाल पूछ दिया जो कि मेंस में पूछा जाना चाहिए ठीक है आइए इस सवाल को करिए सभी लोग स्टार्ट खुशी विपिन अनित श्रुति चलिए भाई सवाल को बताइए पंकज गुप्ता बताओ भाई दिया गया कि द स्पीड ऑफ ए सोलर इन स्टील वाटर इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर पर आवर यानी शांत जल में नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल वाई है दिया गया कि एक आदमी अपोजिट स्ट्रीम मूव कर रहा है और फिर रिटर्न आ रहा है स्ट्रीम के साथ तो पूछा गया उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे बच्चों सवाल सुनिए बोला गया कि शांत जल में एक नाविक की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल वाई है अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी अगर हम अप स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों चालें घट जाएंगी बोला गया यदि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी जाए और फिर वहीं से वापस आए तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होता है अगर हम कहीं एस वन की स्पीड से जाएं और S2 की स्पीड से वापस आए यानी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम S1 की स्पीड से जाएं और S2 की स्पीड से वापस आए तो इस पूरे इंटायर जर्नी में जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, होती है टू एस वन इंटू एस टू यानी सारा इन है और एस वन प्लस एस टू इस पूरे इंटायर जर्नी तो टोटल यात्रा में जो एवरेज स्पीड है वो ये होता है ये तो मैंने आपको सिखा रखा है तो डायरेक्ट तो रखो फॉर्मुले पे अब देखो स्पीड कैसे निकालोगे समस्या ये है अब देखो जाते समय स्पीड क्या होगी होगी जुड़ के हो x plus y. तो क्या लिखोगे की स्पीड तो जाएगा टू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्सपीएच तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी तो कौन सा सही होगा भाई तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा तो ऑप्शन डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है करेक्ट आंसर बोलिए सबको समझ आया किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई दिक्कत है किसी को बोलिए भाई सबको समझ आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी बताओ सारे बच्चे थम दबाइए कि सवाल कैसा था बढ़िया था एक बार सारे बच्चे थम दबा के बताओ क्या सबको समझ आया मेरी बात चलो ये करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखो ये भी एनटीपीसी का ही सवाल है देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा देख रहे हो चलो करो इसे दिख है ना आप लोगों को सेकंड सही कर हूं रुक जाओ हो हो जाएगा हो जाएगा चलो ये बताओ बताओ इस सवाल को बताओ सभी लोग थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको थोड़ा बड़ा करिए ठीक 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 सही है बढ़िया बढ़िया चलो ये सवाल करके बताइए आप सभी लोग बहुत अच्छा सवाल है दिया गया व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में एक निश्चित दूरी तय करने में टी वन और टी टू समय लेता है यदि धारा की की गति है तो शांत जल में नाव की चाल पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ इन स्टिल बहुत अच्छा सवाल करो क्या पूछा गया मेरे बच्चे एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एक निश्चित दूरी को तय करने में टीवन और टी टू यानी मान लीजिए कि जब प्रतिकूल जाता है तो टीवन और अब जाता तो टी टू समय लेता है यदि धारा की चाल दिया गया वाई तो पूछा गया शांत जल में नाव की चाल यानी, की यानी की पूछा गया की हूं कि दूरी कुछ मान लो दूरी कुछ मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि दूरी डी है और जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई और समय लग गया मान लेते हैं t1 और यही दूरी जब x प्लस वाई से जाएंगे तो लग जाएगा t2 तो यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालें यहां से डिस्टेंस निकालो तो क्या निकल जाएगा x माइनस वाई इंटू टी वन भी डिस्टेंस है और यहां से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू टी टू यानी ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस दोनों बराबर होगा तो इसको नीचे ले क्या हो एक्स प्लस वाई इंटू टी टू बराबर होगा एक्स माइनस वाई इंटू टी वन ये दोनों डिस्टेंस ही है अगर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा तुम्हारा टी वन अपॉन टी टू अब अगर इसमें तुम लगा दो अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ये फर्दर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई और ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू टी वन एक सेकेंड टी वन प्लस टी टू और नीचे हो जाएगा टी वन माइनस टी टू लेकिन हमसे x की वैल्यू पूछी गई x की वैल्यू तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t1 वन प्लस टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू और इंटू वाई तो कौन सा सही होगा t1 वन प्लस टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू इंटू वाई यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा तो एक शानदार सवाल था जबरदस्त बताइए भाई सबको समझ आया चालीस सवाल हैं देखो ये ये भी सवाल एन टीपीसी का है, तो जो भी सवाल अच्छे मैंने लिए हैं बताइए आकाश भाई चलिए अभी दस सवाल और बचे हैं आज ये करिए एक नाव की गति शांत जल में ये है और धारा की चाल ये है यदि धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समय से जो टी घंटा अधिक है तो दूरी ज्ञात कीजिए क्या पूछा गया है द स्पीड ऑफ अ बोट इज एक्स किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड टेकन टू कवर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज टी आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम फाइंड द डिस्टेंस बहुत अच्छी बात है चलो एक नाव की गति एक्स है और धारा की वाई है धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को मान लेते दूरी टी है और जब जाएगा तो कितना समय लेगा जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो यह समय लेगा क्लियर अरे बोलो और यही दूरी जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तब टी घंटा अधिक लेता टी घंटा अधिक लेता चलो यहीं देख लो टी घंटा अधिक लेता है यही समझा देता हूं टी घंटा अधिक अब बताओ समय कहां अधिक लगेगा समय कहां अधिक लगेगा समय कहां अधिक लगेगा यहां समय स्पीड ज्यादा है तो समय कम यहां समय ज्यादा लगेगा बोला गया टी घंटा ज्यादा लगेगा यहां ज्यादा लगेगा यहां जोड़ दो अब ये बराबर हो गया अब ये बराबर हो गया क्लियर बराबर हो गया अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है क्या बोला गया दूरी डी की वैल्यू निकालनी है डी की वैल्यू निकालनी है क्या बोला है डी की वैल्यू <gasps> तो या यहीं से सॉल्व कर दो चलो अगर ये वैल्यू हम इधर लेके आए अगर ये वैल्यू हम इधर लेके आए अगर ये वैल्यू हम इधर लेके आए एक्स माइनस वाई माइनस डी एक्स प्लस वाई तो वैल्यू क्या हो जाएगा टी अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है डी कॉमन ले लेंगे ये और नीचे हो जाएगा, X square, T. X, X हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन टू टी और यहाँ क्या बचेगा टू वाई अपॉन में क्या बचेगा टू वाई तो दूरी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई इन टी तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी ऑप्शन बी करेक्ट है बोलो सबको समझ आया चलो ये बताओ ये सवाल करके बताओ भाई ये सवाल करो ये सवाल करके बताइए दिया गया यदि उर्द प्रवाह में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का एन गुना यानी उर्द प्रवाह मतलब एक लिखो डाउन स्ट्रीम एक लिखो अपस्ट्रीम समय समय, समय ज्यादा कहां लगेगा यहां समय एक लगेगा तो इसका दो गुना होता तो दो लिखते तीन गुना होता तो तीन लिखते चार गुना होता तो चार लिखते एन गुना है तो एन गुना लिखेंगे ये इस टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा एन इज टू वन क्या बोला गया है अच्छा आपसे पूछा गया एक्स वाई का वैल्यू अगर ये डाउन स्ट्रीम है इसका मतलब वैल्यू किसकी प्लस वाई की अगर यह अप्रीम है इसका मतलब वैल्यू हमें एक्स वाई की, की वैल्यू चाहिए तो कंपोन एंडो डिविडेंडो लगा दो कंपोन एंडो डिविडेंडो लगा दो तो ये एन प्लस वन और नीचे हो जाएगा एन माइनस वन तो एन प्लस वन एन माइनस वन यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा बोलो मजा आया कि नहीं बोलो भाई आओ इस सवाल को करो इस सवाल को करें इस सवाल को करिए हाँ चलिए इस सवाल को करिए इस सवाल को करिए इस सवाल को करिए सभी बच्चे सॉल्व करें इस सवाल को एक बार सभी बच्चे पहले सेशन को शेयर करिए सभी लोग सेशन को शेयर करें सभी लोग करें।, लो करें अभी आठ क्वेश्चन और हम लोगों के सभी लोग सेशन को शेयर करिए बोला गया कि स्थिर जल में नाव की चाल पंद्रह किलोमीटर पर आवर है स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर एक्स और धारा की चाल तीन किलोमीटर पर आवर यानी वाई धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में दो यात्राओं को पूरा करने में समय के बीच का अंतर दस मिनट है और वो यात्राएं क्या है एक छोर से दूसरे छोर एक छोर से दूसरे छोर बोला गया दोनों छोर के बीच की दूरी बताना है दूरी अच्छा दूरी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है डिस्टेंस बराबर होता है एस एस वन इंटू एस टू और एस वन एस टू का अंतर और इन टाइम का अंतर ये भी तो होता है अब देखो इसकी स्पीड पंद्रह है और जब धारा की दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा अठारह और जब उधर से आएगा एक ही छोर से एक छोर से वहां जाना फिर वहां से यहां आना है तो पंद्रह में से तीन जाएगा बारह अब इन दोनों का अंतर कितना होगा अठारह बारह का अंतर छ और समय कितना लगा दस मिनट अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा साठ यानी दस से कटेगा कैंसिल हो जाएगा और छह से कट जाएगा आपका तीन बार में और छह से कट जाएगा आपका दो बार में ये छह किलोमीटर होगा छह किलोमीटर है इसको करेक्शन कर लीजिए हाँ ये करेक्शन था ये, ये छह किलोमीटर है छह किलोमीटर बाकी बेसिक से भी कर सकते हैं बोलिए सबको समझ आया तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है बाकी डिस्टेंस निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला चलिए बताइए सबको समझ आया कि नहीं बोलिए भाई क्लियर कनक सिंह श्रुति शिखा बताइए सबको समझ आ रहा है बोलिए सबको समझ आ गया क्लियर है चलिए अगला सवाल पे आते हैं चलिए ये सवाल करिए सवाल बहुत तगड़ा है ये सवाल करें करो इस सवाल को इस सवाल को करो दिया गया कि एक मोटरबोट 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आती है साठ यदि धारा की गति तीन किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल यानी है एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू बतानी है यानी बारह किलोमीटर जाएंगे एक बार एक्स प्लस तीन से और यही बारह किलोमीटर जाएंगे एक्स माइनस तीन से और साठ मिनट लगा यानी एक घंटा लगा इसी को सॉल्व करना होगा तो अगर हम 12 कॉमन ले लें तो ये इधर इधर तीन से तीन कट जाएगा टू एक्स और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर एक तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर हो जाएगा चौबीस इसी को सॉल्व करना है इसी को सॉल्व करना है मेरे बच्चों इसी को सॉल्व करना है बोलो अरे सभी बच्चे ठीक हैं थोड़ा मेहनत करो थोड़ा और शिद्दत से मेहनत करो और ये अपने आप से वादा करो जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे मजबूत इतना अपना इरादा करो बेटा सही है ना चलो अब देखो यहां से आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं बना सकते हो इसलिए आपको यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना पड़ेगा या तो ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस चौबीस एक्स बराबर नौ अगर तुम इसका फैक्टर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो टू और अगर यहां देखोगे ये 12X है. तो यह टू ए बी और बारह का स्क्वायर क्या होगा एक सौ चौवालीस अगर एक, एक सौ चौवालीस हम इधर भी जोड़ दें अगर एक सौ चौवालीस हम इधर भी जोड़ दें और एक, एक सौ चौवालीस हम उधर भी जोड़ दें इधर भी तो चौवालीस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ तिरपन तो ये हो जाएगा आपका पूरा टर्म आपका एक्स माइनस बारह का होल स्क्वायर बराबर एक सौ तिरपन x तो की, की, तो की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए सत्रह नवा एक सौ तिरपन सत्रह नवा एक सौ तिरपन यानी कि थ्री रूट सत्रह और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी बारह प्लस तीन रूट सत्रह बारह प्लस तीन रूट सत्रह यानी अगर हम तीन कॉमन ले, ले लें तो हो जाएगा फोर प्लस फोर प्लस रूट सेवनटीन फोर प्लस रूट सेवनटीन ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी ऑप्शन बी, चौतीस करें सभी लोग क्वेश्चन नंबर चौतीस करिए एक बार पहले सेशन को शेयर करिए सभी लोग सभी लोग सेशन को शेयर करें सभी लोग सेशन को शेयर करो फटाफट जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करो फटाफट जल्दी से करो फटाफट जल्दी से बताओ बोलो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर करो चलिए ये देखिए एक नाव दो घंटे सत्ताईस मिनट में धारा के अनुकूल ये लास्ट टाइप, लास टाइप है एक नाव दो घंटे सत्ताईस मिनट में धारा के अनुकूल तीस किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल चौबीस किलोमीटर जा सकती है यानी इतना अनुकूल इतना प्रतिकूल इतने समय में

और 24 प्रतिकूलत तो यानी x माइनस वाई और दो घंटे 27 मिनट का मतलब एक मिनट इसका मतलब एक सौ सैतालीस एक सौ बीस प्लस सत्ताइस आगे देखो चौबीस दस किलोमीटर अनुकूल और चार किलोमीटर प्रतिकूल कितने मिनट में सैतीस मिनट में अब आपसे चार सवाल कर सकता है या तो एक्स की वैल्यू देखो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे या तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू या फिर आपसे की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू अगर मेरे बच्चों ये दो इक्वेशन है अब देखो आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं सबसे बेस्ट तरीका इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी जाए तो एक्स माइनस वाई को काट दो इसकी पूछी जाए तो इसकी काट दो लेकिन अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाएगी या आपसे y की वैल्यू पूछी जाएगी तो फिर आपको यह भी निकालना पड़ेगा यह भी निकालना पड़ेगा अगर ये पूछे तो इसको काट दो ये पूछे तो इसको काट दो लेकिन अगर x या y पूछेगी तो आपको दोनों का दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा जैसे यहां क्या पूछा है क्या पूछा गया बोलो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या पूछा गया है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल यानी प्रतिकूल का मतलब इसकी वैल्यू तो जब इसकी वैल्यू पूछा तो इसको काटना पड़ेगा तो तीन से गुणा कर दो अब देखो तीस हो गया कट गया यही काट दो सीधा खत्म अब देखो ये बार है, ये इसको घटा दो ये है, ये बार है तो में से बार जाएगा, तो बार है सैतीसौ ग्यारह में से जाएगा कितना हो जाएगा छत्तीस मिनट लेकिन ये मिनट है इसको घंटे में बदलना पड़ेगा तो बारह से तीन बार में और तीन से डायरेक्ट किया जाएगा बीस और इसी की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बीस किलोमीटर भरा अगर इसकी वैल्यू पूछा गया तो इसी की निकालेंगे और किसी की नहीं निकालेंगे उतना ही काम करेंगे जितना सवाल में पूछा गया है देखो इसकी वैल्यू पूछा था हमने इसको बराबर करके काट दिया इसकी वैल्यू पूछा जाता इसको बराबर करके काट देता बोलिए बोलिए भाई समझ गए सभी लोग क्लियर अरे समझ गया कि नहीं चलो अगला सवाल करिए यह सवाल करिए सवाल करिए सवाल करिए एक नाव दो घंटे बीस मिनट में बीस किलोमीटर धारा के अनुकूल और तीस किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी ये अनुकूल ये प्रतिकूल दो घंटे बीस मिनट में और ये अनुकूल ये प्रतिकूल इतने मिनट में क्या पूछा गया है धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी एक्स प्लस वाई की तो जो पूछा वही निकालो बीस किलोमीटर अनुकूल है तो अनुकूल है तो चाल क्या होगी जुड़ जाएगी प्रतिकूल है तो क्या होगी प्रतिकूल है तो क्या होगी और दो घंटे बीस मिनट का मतलब एक सौ बीस और बीस एक सौ चालीस आप यहां डी भी रख सकते थे यहां आप डी रख सकते थे यहां डी और यू भी रख सकते थे यहां देखो दस किलोमीटर अनुकूल लेकिन एक ही लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा और आठ किलोमीटर प्रतिकूल एक लाइन में और उनचास मिनट लगते अब क्या पूछा गया है यानी x की वैल्यू तो जब x प्लस वाई की वैल्यू तो पूछा है ना तो इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए अब ये 30 और ये 8 बराबर करना पड़ेगा तो कोई संख्या बताओ जो 30 और 8 से कटे कोई संख्या बताओ जो 30 और 8 से कटे तो 30 8 से कटने वाली संख्या 120 होगी तो यहां पूरे इक्वेशन में चार से गुड़ा कर दो और यहां पंद्रह से गुड़ा कर दो अब इसी को तो बराबर किया इसको काट दो ये मान लो कि बराबर हो गया अब देखो बीस चौको अस्सी और ये डेढ़ सौ अरे भाई ये डेढ़ सौ है और ये अस्सी है तो इसको घटाओ क्योंकि ये कम है तो इसको घटाओ तो डेढ़ सौ में से अस्सी जाएगा तो क्या बचेगा सत्तर और यहां गुड़ा करोगे तो साढ़े सात सौ में पंद्रह कम सात सौ पैंतीस और चौदह चौको छप्पन पांच सौ साठ तो पांच तेरह में से छह गया सात एक सौ पचहत्तर मिनट मिनट को क्या करो घंटे में बदल दो साठ से भाग कर दो तो पैंतीस से दो बार में पैंतीस से पांच बार में पांच से कट जाएगा बारह और बारह दुना चौबीस यानी इसकी स्पीड क्या आ गई बारह दुना चौबीस किलोमीटर पर आवर यानी चाल है तो देखो हमने डायरेक्ट निकाला ज्यादा समय नहीं लगेगा बाकी x प्लस वाई की जगह आप रख सकते थे डाउन स्ट्रीम इसके जगह रख सकते थे आप अप स्ट्रीम कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी बोलो क्या सबको समझ आया चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स करो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स करिए ये बताइए नाव सात घंटे में दस किलोमीटर उर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम और बीस किलोमीटर अनुप्रवाह यानी बीस अनुप्रवाह यानी कि एक्स प्लस वाई और दस किलोमीटर अनु प्रवाह यानी अनुर्धनस वाई कुल कितने समय लगते हैं सात घंटे और बीस किलोमीटर दस किलोमीटर अनुप्रवाह और बीस किलोमीटर उर्द प्रवाह ग्यारह घंटे में अब देखो पहले पूछा क्या गया स्थिर जल में नाव की चाल अगर इसकी वैल्यू पूछता तो इसको बराबर करते है, इसकी पूछता तो इसको बराबर कर देंगे लेकिन यहां आपको दोनों निकालना पड़ेगा यह आपको दोनों निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है शांत जल में नाव की गति यानी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू तभी निकलेगा जब दोनों का निकलेगा तो कोई बात नहीं कोई एक बराबर करो कोई एक बराबर करो अगर मैं यहां दो से गुणा कर दू देखो बीस हो गया ये भी, भी कैंसिल अब यह बाईस घटाओ जो छोटा उसको घटाओ अब देखो बीस बुना चालीस चालीस में से दस गया तीस और बाईस में सात गया पंद्रह घंटे है तो रहने दो घंटे तो रहने दो यानी इसकी चाल कितनी आ गई x माइनस वाई आ गई दो किलोमीटर पर आर अब ये वैल्यू कहीं रख दो ये वैल्यू यहां रख दो या यहां रख दो रखोगे तो क्या हो जाएगा दो रखोगे तो ये कर जाएगा दस बार में और अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है कहां रखना है ओरिजिनल इक्वेशन में ओरिजिनल इक्वेशन में तो बीस को दो से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन यानी ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा एक यानी दस बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी दस किलोमीटर पर आवर दस किलोमीटर पर आर दस किलोमीटर पर आर तो ये निकल गया आपका अपस्ट्रीम ये निकल गया आपका डाउन स्ट्रीम अगर एक्स की वैल्यू पूछे दोनों जोड़ के भाग दे दो वाई की वैल्यू पूछे दोनों को घटा के भाग दो शांत जल, पूछा गया दोनों को जोड़ के भाग दे दो क्या हो जाएगा छ क्या हो जाएगा ये बताओ ये बताइए नौ मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकता है साथ ही यह 42 मिनट में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकता है आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा तो 10 किलोमीटर अनुकूल अनुकूल मतलब x प्लस वाई और 8 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई उनचास मिनट में मिनट है ये ध्यान देना बारह किलोमीटर अनुकूल और चार किलोमीटर प्रतिकूल बयालीस मिनट में अब हमको दोनों वैल्यू निकालनी है तो ये देखो बराबर कैसे हो सकता है आसानी से आसानी से बराबर ये हो सकता है दो से गुड़ा कर दो हमने गुड़ा क्यों किया इसको बराबर करने कैंसिल अब देखो ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो इसको माइनस करो अब ये चौबीस बारह दूना चौबीस चौबीस में दस गया चौदह और चौरासी में से उनचास गया पैंतीस लेकिन ये मिनट है साठ से भाग देना पड़ेगा तो सात पचे पैंतीस सात धुना चौदह से कट जाएगा बारह बार में यानी धारा की दिशा में चाल है चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चाल है चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं हमें दोनों निकालना पड़ेगा अब ये वैल्यू अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखो अब ये भी देखना है कि इक्वेशन कहां रखने से आसानी अगर ये यहां दें तो आसानी है दो किया रखेंगे तो दिक्कत होगा लेकिन यहाँ आसानी है 12 को 24 से भाग देंगे तो कितना होगा आधा घंटा आधा घंटा मतलब 30 मिनट और 30 उधर जाएगा तो ओरिजिनल इक्वेशन में बचेगा 12 मिनट यानी 12 मिनट और 12 मिनट को 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पांच। और 5 को 20 यानी धारा के विपरीत इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो अगर दोनों मिल गया और क्या पूछा गया धारा की चाल तो दोनों को घटा के आधा कर दो चौबीस माइनस बीस चार और चार का आधा दो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सी वेरी गुड सर्विस अनित चलिए ये करो ये भी सेम सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आप कमेंट करेंगे इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर अच्छा यह भी सवाल सेम है चलो एक सवाल और बता देता हूँ कोई बात नहीं ये सवाल बता देता हूं चलो इस सवाल को करो इस सवाल को करो कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में पांच किलोमीटर और धारा की दिशा में साढ़े सात किलोमीटर जा सकती है और 25 मिनट में धारा की दिशा में पांच किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में ढाई किलोमीटर जा सकती है धारा की विपरीत दिशा में छह किलोमीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा चलिए पांच किलोमीटर धारा की दिशा में तो पांच किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई और साढ़े सात का मतलब धारा के विपरीत तो और ढाई किलोमीटर धारा पांच किलोमीटर धारा की दिशा में और ढाई किलोमीटर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जा सकते हैं कितने मिनट में भाई पच्चीस मिनट में।, <environments> में क्या पूछा गया धारा की विपरीत यानी धारा के विपरीत दिशा में धारा का विपरीत पूछा गया है भाई क्या बोला गया धारा विपरीत दिशा में छह किलोमीटर जाने में यानी इसकी वैल्यू तो इसको बराबर करो अच्छा ये तो पहले बराबर है ये तो पहले बराबर है इसको घटा देते हैं ये तो पहले बराबर काट दो साढ़े सात में से ढाई जाएगा क्या हो जाएगा पांच मिनट यानी क्या है बोलिए धारा के विपरीत इसकी चाल है किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत पर घंटा है और बोला छह किलोमीटर जाने में कितना लगेगा तीस मिनट भाई इसकी स्पीड तो बारह है ना तीस किलोमीटर छह किलोमीटर जाने में कितना लगेगा तीस मिनट हाँ बिल्कुल पांच में एक्स माइनस वाई होगा कहां एक्स माइनस वाई होगा नहीं यहां देखिए गलत पढ़ रहे हैं आप धारा की दिशा में पांच किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में ढाई किलोमीटर यहां पढ़िए बोला गया पांच किलोमीटर और धारा के विपरीत में साढ़े यह धारा के विपरीत दिशा में पांच अच्छा यहां गलत हो गया हाँ यहां हो गया कोई ना हो पैंतालीस मिनट में धारा के विपरीत दिशा में पांच अच्छा विपरीत दिशा यहां गलत हो गया इसका मतलब ऑप्शन नहीं होगा कोई बात नहीं हम देख लेते हैं दोबारा दोबारा देख लेते हैं दोबारा देख लेते हैं हाँ यहां से पहले दिया है पहले दिया हुआ ना धारा के विपरीत में पांच और धारा में साढ़े सात अच्छा साढ़े सात है कोई बात नहीं साढ़े सात लिख लेते हैं और पांच विपरीत है और कुल कितना मिनट लग रहा है भाई पैंतालीस ठीक है भाई चलो आगे दिया है कि पच्चीस मिनट में धारा की दिशा में पांच धारा की दिशा में पांच और विपरीत दिशा में ढाई हमें बताना धारा के की इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी, निकालनी है मेरे बच्चे इसकी तो इसको बराबर करो अब साढ़े सात और पांच से कटने वाली संख्या अगर हम दो से गुणा कर दे तो पंद्रह हो जाएगा हमें इसी का इश्यू इसी, इसी को भगाना है यहां से यहां तीन का गुणा करो कैंसिल ये हो जाएगा दस साढ़े सात अंतर होगा 2.5, पॉइंट फाइव नब्बे पचहत्तर का अंतर हो गया पंद्रह और ये साठ तो ढाई से कटेगा छ और छह से कटेगा दस यानी इसकी स्पीड आ गई दस इसकी स्पीड आ गई दस किलोमीटर प्रति घंटा यानी धारा के विपरीत दिशा में बोला गया छह किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल तो दूरी बटे चाल इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो तीस मिनट नहीं आएगा मेरे बच्चों फिर तो छत्तीस मिनट आएगा फिर तो तीस नहीं आएगा फिर तो छत्तीस आएगा क्लियर बोलिए हाँ बी नहीं होगा बेटा छत्तीस मिनट होगा भाई विपरीत दिशा में छह किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में चाल दस है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल मिनट में बदल देंगे आओ आज का लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन ये बताओ ये सवाल तो कर ही ये सवाल तो कर ही लोगे क्या बोला गया है अभिनाव से चार घंटे में अट्ठाईस किलोमीटर उर्द प्रवाह की दूरी तय करता है और दो घंटे में पचास किलोमीटर अनुप्रवाह करता है यानी अट्ठाईस किलोमीटर जाता है कितने घंटे में चार घंटे में तो स्पीड कितनी आ गई सात किलोमीटर पर आवर और पचास किलोमीटर जाता है दो घंटे में तो स्पीड कितनी आ गई पच्चीस किलोमीटर पर आवर आप जानते हैं कि जो ज्यादा होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा

तो दुना बत्तीस 32 एक सौ यानी कि 2.8 पॉइंट एट आर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा है। सर क्वेश्चन नंबर अच्छा 26 है चलिए छब्बीस है छब्बीस में क्या है भाई देख लेते हैं बेटा छब्बीस देखो एक नाव पचपन मिनट में तीन किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और पांच किलोमीटर धारा के अनुकूल और ये एक घंटे पच्चीस मिनट में चार किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और नौ किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है धारा के अनुकूल इतना जाने में कितना समय ये तो वही सवाल है यार ये तो वही सवाल ऐसा तो करा दिया चलो बता देते हैं कोई बात नहीं तीन किलो पांच किलोमीटर अनुकूल और तीन प्रतिकूल ये पांच आपका अनुकूल है और ये तीन आपका प्रतिकूल है और कितना लगा पचपन मिनट आगे देखो चार किलोमीटर प्रतिकूल और नौ किलोमीटर अनुकूल नौ किलोमीटर अनुकूल और चार किलोमीटर प्रतिकूल पचासी मिनट एक घंटे पच्चीस मिनट का मतलब एक घंटे पच्चीस मिनट का मतलब पचासी मिनट अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वैल्यू किसकी निकालनी है धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई की तो इसका मतलब इसको भगाना है इसको भगाना है तो यहां गुड़ा कर दो चार से यहां गुड़ा कर दो तीन से खत्म यह हो जाएगा बीस ये हो जाएगा सत्ताईस अब इसको घटाओ ये छोटा इसको घटाओ सत्ताईस में से बीस जाएगा सात और यहां गुड़ा करो दो सौ चालीस पंद्रह दो सौ पचपन और दो सौ बीस तो कितना हो जाएगा पैंतीस मिनट अब मिनट को घंटे से भाग दो साठ यानी सात से पांच बार में यानी इसकी चाल क्या है बारह किलोमीटर प्रति घंटे यानी धारा की दिशा में नाव की चाल बारह किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में नाव की चाल अब बोला धारा की दिशा में यही दूरी चलनी है तो धारा की दिशा में अगर यही दूरी चलनी है तो स्पीड क्या हो जाएगा बारह यानी बारह या तीस छत्तीस सात बारह छ के बहत्तर यानी कि तीन दशमलव छह घंटे यानी ऑप्शन नंबर सी बोलो क्या आज का सारा सवाल खत्म हुआ एक बार सारे बच्चे बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा तो मैंने ढाई घंटे में चालीस सवाल प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इतना आपको एश्योर कर रहा हूं कि आप आज से बोट इंडिस्ट्रीम पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है आप बोट इंडस्ट्रीम यहां से पढ़ लोगे तो जो भी आपके पेपर में एक दो सवाल आएगा उसको सही कर लोगे एक बार सभी बच्चे बताएं कि सेशन कैसा लगा एक बार सभी बच्चे थम दबा के बताइए सभी बच्चे थम दबा के बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है ना चलिए बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंडिविजुअल मैच ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिविजुअल मैथ और इंडिविजुअल रीजनिंग की ऑफलाइन का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है यानी मैं बता देता हूं लास्ट में जाते जाते जो बच्चे पूछ रहे थे मेरे बच्चों जान लीजिए आप इंडिविजुअल रीजनिंग और इंडिविजुअल मैथ इसके एडमिशन ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट है ये एडमिशन चल रहे हैं ठीक है एस एस का आपका जनरल बैच ये आपका 14 मार्च से चलना है 14 मार्च से चलना और इसके भी एडमिशन स्टार्ट हैं अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो ऑनलाइन रीजनिंग की क्लास भी आपका स्टार्ट है तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है इंडिविजुअल मैथ मैथ इंडिविजुअल रीजनिंग रीजनिंग की 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 आपकी ऑफलाइन स्पेशल स्पेशल इंडिविजुअलिंग एस एस सी जनरल बैच का एडमिशन स्टार्ट है और यूपीपी यूपीएसआई का टारगेटेड बैच भी स्टार्ट है तो ये सारे बच्चे जो हमसे पूछ रहे थे मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो चलिए बाय बाय टेक केयर खुश रहिए नाइस टू मीट यू जय हिंद